Jio Shyam Lala, Jio Shyam Lala, Dili Teri Pagadi Rangar Dhala, Jio Shyam Lala, Jio Shyam Lala, Dili Teri Pagadi Rangar Dhala, Jio Jio Shyam Lala. गोकुल में जन्म हुए कंस ने सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को भेजा। ये पुतना ये बड़ी सुंदरी श्रृंगार करते हुए सत धज करके कृष्ण को मारने गई थी। जब उसने नंद भवन में प्रवेश की तब श्री सूत गोस्वामी कहते हैं भैया इसका नाम ही पुतना। पुतना मतलब क्या है? बोले पूत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र ये पाप है। कहते पाप कहाँ प्रवेश करती हैं? बोले जहाँ पर प्रभु का भजन नहीं हो, ठाकुर का कीर्तन नहीं हो, पाप वहीं पर निवास करती है। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, लेकिन जहाँ पर ठाकुर का कीर्तन भजन पूजा पाठ हो कहते वहाँ पर हरि कृष्ण हरि हरि बोल हरे कृष्ण। कहते जहाँ पर भगवान की कीर्तन पूजा पाठ हो कहते वहाँ पाप प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले भैया यहाँ तो भगवान कृष्ण ही जन्म सोए हुए हैं, जब ठाकुर जी जन्म हुए हैं फिर ये पुतना कैसे चली गई? बोले ठाकुर जी का इच्छा है, क्योंकि अगर पुतना नहीं आती तो हम ये कथा सुनते थोड़ी। रावण नहीं होता रामायण होता, कंस नहीं होता कृष्ण लीला कभी हो सकता था। इसलिए जिन जिनियों को ऊपर से देखो ये भगवान की शत्रु है, कहते एक तरह से ये भगवान की मित्र भी है, क्योंकि इनके बगैर लीला ही नहीं होती। जब पुतना ब्रज में प्रवेश की और सीधा नंद भवन में चली गई और मैया जसोदा और श्री रोहिणी कृष्ण को पलने में झूला रही थी और पुतना गई, कोई बोल चाल नहीं, सीधा पकड़ लिया कृष्ण को और उन्होंने गोद में उठा ली। यहाँ पर कहते हैं जब कृष्ण को गोद में उठाए भगवान आंख बंद कर, बोले आंख बंद क्यों किया? तब हमारे टीकाकारों ने इसके पीछे पांच रहस्य बताए क्यों कृष्ण आंख बंद किया। पहला कारण है ये ऊपर से तो माँ के रूप लेकर के आई और बोली मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करने चाहिए। जब उन्होंने गोद में उठा ली लेकिन हे तो माँ के रूप लेकर के आई, प्रभु सोच रहे हैं अभी मैं उसको मारने वाला हूँ, लेकिन तो छटपट आएगी अभी अभी इसका दुख को मैं देखूँ कैसे, क्यों ये तो माँ के रूप लेकर के आई ना। यद्यपि प्रभु कठोर है लेकिन हृदय से बड़े दयालु, इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर दिए, बोले इसका मैं दुख नहीं देख सकता हूँ, ये पहला कारण। दूसरा कारण है बोले ब्रज में जितने बच्चे जन्म हुए हैं वो कृष्ण के सखा हैं, कोई श्रीदाम कोई वसुदाम कोई मधुमंगल, और जितने लड़कियाँ जन्म हुई कोई ललिता कोई विशाखा कोई चंपकलता
ये कृष्ण के सखा सखियां। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, बोले तू इनको मारने के लिए आए हो, बच्चों को मारने के लिए आए हो, मैं तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने किया कि उन्होंने आँख बंद कर दी। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है बच्चों को स्वभाव देखना। घर का कोई सदस्य हो उसको सामने तो बच्चे खेलते कूदते हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए बच्चे डर जाते हैं, अरे ये कहाँ से आ गई, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मानो ठाकुर जी डर से उन्होंने आँख को बंद कर दिए। इसका चौथा कारण बताए, पुतना अपना स्तन में वो कालकुट जहर को भर करके लेकर आए थे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान की गर्भों को अंदर में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान। अभी तो भगवान बीस पान करेंगे, इसलिए विश्व ब्रह्मांड घबरा गए, बोले हे प्रभु इसकी स्तन को पान मत किया करो, केवल इसकी स्तन को अंदर में बीस बीस जहर भरा हुआ। आपका गर्भ में तो विश्व ब्रह्मांड, अगर आप बीस पान करोगे हम सबके सब समाप्त हो जाएंगे। सबके सब घबरा गए। इतने में कृष्ण आँख बंद करके श्री शंकर जी को याद किया, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा काम है बीस पीना और मेरा काम है दूध पीना, इसलिए आप बीस बीस को तो आप पी लो और दूध दूध को मैं पी लेता हूँ। इसलिए उन्होंने आँख बंद की। कितना कारण हो गया, कितना आप लोगों को दिन नहीं रहा, कितना चार कारण हो गया। इसका पंचमा कारण बताए, बोले ये पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नाही। कहते जन्म जन्मांतर तक मुनि लोग जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलती है, लेकिन उसने इसे कौन सा पुण्य की जो मेरे को गोद में उठा रही। भगवान ने आंख बंद करके देखा, ये सचमुच से ये पूर्व जन्म में कौन थी, बोले सुपर्णा। जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे, अभी सुपर्णखा प्रभु का रूप देख करके एकदम पावड़ी बन गई और बड़ी सुंदर सा धज करके आई, बोले प्रभु मेरे से शादी कर लो। बोले मेरा ऑलरेडी एक पत्नी है। इतने में लक्ष्मण आए, बोले ये कौन है, बोले मेरे छोटे भैया है, बोले शादी नहीं किया, बोले अभी तो कोई पत्नी नहीं, बोले ये भी देखने में कम सुंदर नहीं, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ, इससे शादी, बोले पूछ करके देख लो इससे शादी कर सकती कि नहीं। इसलिए कहते पूर्व जन्म में कहते ये सुपर्णखा थी और कहती है पूर्व जन्म में ये कौन थी, ये थी श्री बलि महाराज जी की बेटी, इसका नाम थी रत्नमाला। इसलिए जिस समय भगवान श्री वामन अवतार लेकर के गए थे, इनकी रूप देख करके उनकी मन में इच्छा हुई थी, अगर ये मेरे बेटा बन करके आता तो इसको दिन भर में गोद में लेकर के मैं लाड़ लड़ा दूं। लेकिन भगवान जब दो पग में सब कुछ ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, बोले बलि बताओ तीसरे चरण कहाँ रखूँ। उन्होंने नाग फास बंधन में उनको बांध दिए। उनको बेटी ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ ले लिया और मेरे पिताजी को नाग फास बंधन में बांध भी दिया, बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। कहते वही रत्नमाला अभी श्री ये पुतना बन करके आए हैं, इसलिए भगवान ने आँख बंद की। अभी पुतना ने कृष्ण को मुंह में स्तन दी, लेकिन वह तो दूध है ही नहीं, वो तो जहर ही क्या है। भगवान ने जहर क्या पान करेंगे, उसका प्राण को ठाकुर ने शोषण किया। पुतना देखा छह दिन का बच्चा ऐसे लग रहा है मानो ये मेरे प्राण को शोषण कर रहा है। पुतना ने छुड़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं सकी। बोले क्यों? कृष्ण बोले देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है ही नहीं, लेकिन एक बार जिसको मैं पकड़ लेता हूँ ना, मैं कभी छोड़ना अभी तक सीखा नहीं। तात्पर्य क्या है, अगर एक बार कृष्ण के शरण में आप आ जाओ, केवल इतना ही बोल दो ठाकुर जी
मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, एक बार केवल ये बोल दो। ठाकुर जी कहते ही जब तक मैं अपना चरण में तुम्हें नहीं पहुंचा दूं तब तक मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। जब पुतना किसी तरह से छुड़ा नहीं सकी, सोच रही है किसी तरह से इसको मथुरा ले जाऊं, मेरे भैया कंस कुछ ना कुछ कर देंगे। इतने में पुतना ने भयंकर रूप धारण किया, असली स्वरूप में पुतना आ गई, भयंकर रूप थी। बोले कितने बड़ी थी, बोले त्री गब्बू थी, एक गब्बी तुम कहते 6 मील, मतलब 18 मील लंबी चौड़ी थी। अभी आकाश में उड़ते हुए गई और श्री कंस का एक सुंदर बगीचा थी। कंस का आदेश था यहाँ के कोई फल फूल कृष्णा कृष्णा भक्तों को नहीं मिलनी चाहिए। कृष्ण ने सोचा दुनिया को बनाया मैंने, सब कुछ मेरा, और मेरे को और मेरे भक्तों को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने पुतना को उड़ाते हुए वहीं पर ले गए और वहीं पर गिराए और जितने पेड़ पौधा फूल फल सबके सब सत्यानाश कर। ठाकुर जी यहाँ शिक्षा देते हैं, ये संसार को बनाया नहीं, ये संसार मेरा है। अगर ये सब चीज़ें अगर मेरी सेवा में नहीं लगेगी, मेरे भक्तों का सेवा में नहीं लगेगी ना, फिर पुतना उड़ करके आ जाएगी। और पुतना ऐसे उड़ करके आ जाएगी फिर तो सबके सब सत्यानाश करते। प्रभु शिक्षा देते हैं अगर हर चीज को मेरी सेवा में लगाते हुए स्वीकार करोगे फिर तो तुम्हारी धन दौलत पुत्र परिवार सब सुख शांति में रहेंगे। क्योंकि दुनिया बनाया मैंने, ये दुनिया मेरा है, ये दुनिया तेरा है ही नहीं। तभी इसी संसार में सुखी रहेंगे जब हर चीज को ठाकुर जी की भोग में लगा करके, ठाकुर जी को सेवा में लगाते हुए अगर हर चीज को ग्रहण करेंगे, सब चीज बढ़िया बढ़िया से चलेगी। अभी सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बोलिए तो हमारे लाला कृष्ण को उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। इतने में देखा पुतना मरी पड़ी हुई, बोले कृष्ण कहाँ पर? देखा कृष्ण छाती के ऊपर में खेल रहे हैं। फिर कृष्ण को वहाँ से उतारे और उनकी शरीर में जब आग लगाए, अब देखो जब एक व्यक्ति को जलाते हैं ना उससे बदबू निकलती है, लेकिन जब पुतना को जलाए बदबू नहीं निकला, उसका शरीर से सुगंध निकली। क्यों? बोले ठाकुर ने उनका स्तन पान की, भगवान ने उसकी स्तन पान की, शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू निकल रही थी। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले भैया भक्ति करना है ना, भगवान कृष्ण को भक्ति करो। बोले क्यों? कारण किया। तब यहाँ पर एक सुंदर श्लोक को श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया हरे स्तनम तत्वा अपसद गति। बोले पुतना को अंदर में सारे दुर्गुण हैं। पहला नंबर पुतना, पुत माने पवित्र नाम मतलब नहीं, पहला नंबर वो अपवित्र, दूसरी नंबर में राक्षसी, तीसरी नंबर में ये बच्चों को खून पीती है, और चौथा नंबर में भगवान के लिए क्या लेकर के आई थी? बोले जहर। लेकिन देखो इतने दुष्ट बदमाशी होने पर भी, लेकिन ठाकुर जी इनको कहाँ स्थान दिया? ठाकुर जी उनको गोलोक वृंदावन में अपना माँ की पद ठाकुर ने दे दिया, इतने बड़े पद दे दिया इतने बड़े एक दुष्टा को। तो यहाँ पर कहते हैं भैया जो अपवित्र होकर के ठाकुर को पास में आए, अगर उसको गोलोक वृंदावन में भेजे, अगर ठाकुर जी को पास में कोई नहा धो करके, कोई अगर अच्छे कोई वस्त्र पहन करके आ जाए, ठाकुर कितना खुश नहीं हो जाए? ठाकुर जी के लिए 20 लेकर के आए थे तभी ठाकुर इतने बड़े पद दिया। अगर ठाकुर को पास में भले ही कुछ मत लाओ, सरल भाव से ठाकुर जी के पास में आओ, नहीं तो कोई एक फल नहीं तो फूल ले आओ, नहीं तो ठाकुर का प्रिय जैसे मक्खन मिश्री अगर ठाकुर जी के लिए लेकर के आ जाओगे, फिर ठाकुर तुम्हें क्या नहीं देंगे? सुदामा दो मुठ चिड़वा दिए, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए। तीसरा नंबर में ये राक्षसी थी, अगर ठाकुर जी एक राक्षसी को अगर इतने बड़े पद दे सकते हैं, अगर कोई इंसान हो, नहीं तो कोई व्यक्ति हृदय से कृष्ण को प्यार करती हो, अगर उसको पास में आएगा तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे? क्या ठाकुर जी नहीं देंगे?
इसलिए कहते किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर भगवान की थोड़ी सी प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को थोड़ी सी कोई वस्तु दे दो ना, इसलिए कृष्ण गीता में चार चीज देने के लिए बताए। देखो ये श्लोक है, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मे भक्त्या प्रजच्छति। भगवान चार चीज का नाम लिया है, बोले पत्ता फूल जल और फल। चार चीज में कोई एक भी चीज ठाकुर जी को भक्ति पूर्वक दे दो, भगवान कहते मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, उसमें ही संतुष्ट हो जाता हूँ। और जो चार चीज नाम लिया ना, वो बिना पैसा में, पानी के लिए पैसा की जरूरत नहीं, कोई पेड़ से के फूल दे दो, नहीं तो कोई पत्ता दे दो, नहीं तो पेड़ से कोई फल लेकर के ठाकुर को दे दो, भगवान कहते हैं इतने में ही मैं खुश हो जाता हूँ, इतने में ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए भगवान सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को मारे। बोले क्यों? उन्होंने पुतना को सबसे पहले क्यों मारे? यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को कोई अपना हृदय में बैठाना चाहते हो, पहले ये पुतना को मारो। पुतना मतलब जो पवित्र नहीं अपवित्र है। भगवान सबसे पहले किसको मारे आप बता सकते हो? कौन बोलेगा बोलो? कृष्ण तो सबसे पहले पुतना को मारे, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे? कौन बोलेगा हाथ उठा के किसको मारे? देखो ये दोनों प्रभु एक ही लीला एक ही शिक्षा दिया है। उसका नाम ताड़ता, ताड़ का मतलब क्या? बोले ताड़यति इति ताड़ता, जीव को जो भगा, जीव को जो भगाते रहे। हमें संसार में कौन भगा रहे हैं? बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, यही हम संसार में भगाता है। इसलिए ठाकुर जी सबसे पहले उन्होंने पुतना को मारे, उसका नाम तारका कुमारी। ताड़ता देखो ये तीन अक्षर, पुतना ये भी तीन अक्षर हैं, कहते ये भी स्त्री और वो भी स्त्री है। मानो दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं, अगर मुझे अपना हृदय में बैठाना चाहते हो, ये तारका पुतना को सबसे पहले ये दोनों को मारो। अभी जब नंद बाबा गए थे कार देने के लिए मथुरा में, लेकिन जब मथुरा से आए उन्होंने देखा ये पुतना बड़ी सुंदर सज धज करके आई थी, लेकिन निकली ये राक्षसी। नंद बाबा बोले सावधान, अंदर में एरे गेरे व्यक्तियों को घुसने मत दिया करना, एकदम कड़ी पहरादार लगा दी। जब तक मेरे को और जसोदा को कोई खबर नहीं दिया जाए, ये राजमहल के अंदर में जैसे कोई प्रवेश नहीं कर पाए। इतने में श्री भोले बाबा आए, शंकर जी ने देखा प्रभु के, मैंने सारे लीलाओं तो दर्शन की, लेकिन ये प्रभु का बाल गोपाल स्वरूप अभी तक मैंने नहीं देखा। अगर कृष्ण को भूख लगे ना, प्रभु रोते हैं, फिर मैया जस्ता दूध पिलाती। अगर मच्छर काट दे, कृष्ण जब रोते हैं मैया जस्ता मच्छर भगाती। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके प्रभु को चलाना सिखाती हैं। शंकर जी ने देखा ये लीला तो हमने कभी देखो ही ना। इतने में शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए। हम कहते ना सत्यम शिवम सुंदर। शंकर जी को तो सुंदर बताया, लेकिन इस शंकर जी का जो ऊपर का जो बेस है ना, आप देखोगे बड़ा पवित्र है। आप बताओ तो शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं? स्नो पाउडर क्रीम क्या लगाते हैं? बहुति लगाते हैं। कहाँ की? शमशान की। कोई अच्छे कोई बहुत नहीं, शमशान के बहुति को धारण करते हैं। बोले क्यों? यदि ये शंकर जी को बताए वैष्णवानाम यथा संभो, ये भगवान की भक्त में ये अग्रगण्य शंकर जी, ये गुरु है शंकर जी। ये गुरु होने का नाते गले में देखना हड्डी की माला पहने हुए है। शिक्षा देते हैं शंकर जी, भैया ये शरीर को ज़्यादा प्यार मत करो, ये शरीर को ज़्यादा प्रेम मत करो। जिस शरीर को इतने प्यार करते हो, एक दिन इसका परिणाम दो टुकड़े हड्डी और शमशान की राख बनेगा। अगर प्यार करना ना, ठाकुर जी को प्यार करो, ठाकुर जी को भक्ति करो। इसलिए शंकर जी अक्सर करके कहाँ बैठे रहते हैं? शमशान को पास में। क्यों? वो देखते रहते हैं एक एक व्यक्ति को कैसे ला रहे हैं और जला रहे हैं।
एक एक व्यक्ति को लाल आकर कैसे जलाते हैं, शंकर जी ये चीज को देखते हैं। और जो कंधे पर रखते हैं क्या क्या बोलते बोलते लाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। वो देखते हैं शंकर जी सबको कैसे कंधे पर ला करके जलाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बोले महामंत्र जय जपत महेशा और काशी मुक्ति हेतु उपदेश। इसलिए शंकर जी महामंत्र, हिंदी समझते कि नहीं समझते ना, कभी प्यार को देखो, बोले महामंत्र जय जपत महेशा। इसलिए शंकर जी हर समय पंचमुह में भगवान के नाम जप करते रहते, क्यों जानते हैं यही साथ में जाएगा और साथ में कुछ भी नहीं जाएगा है। इसलिए शंकर जी के सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ाते हैं, कोई जुई बेली चमेली कुछ नहीं, आकंद और धतूरे जो वृक्षों को कोई नहीं लगाते, वो अपने आप जंगल में जहरीले हैं, वही पुष्प शंकर जी के सर के ऊपर में चढ़ाते हैं। बोले कि ये जुई बेली चमेली माधवी केतक ये सब फूल क्यों नहीं चढ़ाते हैं। शंकर जी कहते भैया हम तो ठाकुर का सेवक हैं, ये जितने अच्छे अच्छे फूल है मेरे प्रभु राम और कृष्ण के लिए हैं, मैं तो उनका सेवक जंगल में अपने आप जो चीज हो इसको मैं ग्रहण करूंगा। शंकर जी अलंकार क्या धारण करते हैं, सोने चांदी, शंकर जी के शरीर में सोने चांदी नहीं देखोगे, हीरे जवाहरात नहीं देखोगे, गले में हाथों में कमर में देखोगे सर्प है, सांप ही सांप है। बोले ये सर्प कौन है, बोले श्री अनंत देव। ये अनंत देव कौन है, बोले ये शंकर जी की गुरु श्री अनंत देव। शिक्षा देते हैं अगर श्रृंगार धारण करना करो, लेकिन किस चीज की, बोले गुरु जी की उपदेश को, गुरु जी की ज्ञान को अलंकार रूप में धारण करो जो हमें संसार से परपार ले जाने वाले। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए बड़े कठिन किया, क्योंकि संत है ना, संत अपने आप को छुपवाते हैं, लेकिन उन्होंने छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं, बोले शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु, शंकर जी को पास में आप बता सकते हो शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? हाँ भैया बहुत अच्छी है। इसलिए शंकर जी की जटा में ये पतित पावन श्री गंगा देवी है, ये भगवान की चरणा मिलते हैं है? शंकर जी के सर में जटा में गंगा देवी है, बोले श्री गंगा भैया की। इसलिए शंकर जी जब श्रृंगार करते हुए आए, और कुछ दिन पहले तो पुतना आ गई थी, वहां पर एक दरबार था। शंकर जी ने बोले मैंने सुना है नंद बाबा के घर में के लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे का भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदरी बन करके आई थी, और तू तो तेरे को देख करके मेरे तो जी घबरा रहा है, हैं? इसलिए भैया लाला का दर्शन नहीं होगा, तू जो लेना चाहते हो सोना चांदी लो और अपना रास्ता को देखो। इतने में उसने जाकर के मैया जसोदा को बोल दिए, बोले जसोदे कहीं से एक बाबा आया है, वो कहता है लाला को दर्शन करा दो, तुम जा करके देख करके आओ, उसको देख करके मेरे जी घबरा रहा है। मैया जसोदा आई देख करके तो घबरा गई, बोले बाबा क्या चाहते हो? बोले एक बार लाला को दर्शन करा दो, एक बार लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी, और वो तो बड़ी सुंदरी बन करके आई थी, और तेरे को देख करके मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए लाला का दर्शन नहीं होगा। बोले अगर नहीं दिखाओगे ना मैं त्रिशूल गाड़ करके ही बैठ जाऊंगा, जब तक नहीं दिखाऊंगा जाने वाला नहीं। बोले यहीं पर बैठो ना, बैठ गए जा, मेरे चार दरवाजा है, पीछे दरवाजे निकाल लूंगी। बोले पीछे से निकालूंगी, मैं चार रूप धारण करके बैठ जाऊंगी। इसलिए आप कभी नंदगांव जाओ ना, देखना नंदगांव में चार दरवाजा में चार शंकर जी बैठे हुए। बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे यहाँ से मैं जाने वाला नहीं। शंकर तो त्रिशूल गाड़ करके वहीं पर धून रमा करके शंकर जी बैठ गए, और उन्होंने भगवान को
किया तो क्या ठाकुर जी, तेरे सारे लीलाओं को तो हमने देखा, लेकिन तुम्हारी बाल गोपाल स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए। एक झलक दर्शन दे दे, मैं खुश होकर के चला जाऊंगा। इतने में कृष्णा दर्शन देने के लिए रोना शुरू किया। मैया जितनी थपथप लगाए, कृष्ण उतना जोर से रोए। पूरा परिवार परेशानी, बोले लाला को क्या हो गया, आज इसकी रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है। एक सखी ने कहा, मैया वो जो बाबा है ना, ये त्रिशूल डाल करके बैठी गया है, वो आंख बंद करके ना, लगता है तेरे लाला को ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, कभी यहाँ से हटने वाला नहीं। अरे मैया ने काले कपड़े से ओढ़ा ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, गले में लाला काला धागा को पहना करके बड़ी कष्ट से उन्होंने कृष्ण को लेकर कहा थी, बड़ी कष्ट से, बोले बाबा ले दर्शन कर। तो बोले एक झलक शंकर जी को दर्शन कराया। दर्शन कराते ही इतने में शंकर तो रोने लग गए और कृष्ण तो खिलखिला करके हंसने लग गए। मैया को पता चला ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिए। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ जादू टोना जानता है, देखना माताएं घेर जाती हैं। बोले बाबा थोड़ा हाथ देख लो तो, बाबा थोड़ी बताओ कि हमारा बेटा कब शादी होने वाला है, बेटी की कब शादी होने वाली है। उन शंकर जी को तो घेर गए सबके साथ। बोले बाबा मेरे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है कि नहीं नजर से बचाने के लिए। बोले अगर एक काम करोगे ना, कभी नजर नहीं लगेगी। बोले बता दे बाबा क्या करना पड़ेगा। बोले जब जब तुम्हारी लाला को तुम स्नान कराओगे, जो स्नान का पानी मेरे सर के ऊपर डाल देना, कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बाबा कर दूंगा। और कुछ काम करना। बोले जब तुम अपना लाला को भोजन कराओगे, वो प्लेट में जो प्रसाद है ना, उसको ला करके मेरे को दे देना, देखना लाला को कभी नजर नहीं लगेगा। देखो ये 5,500 साल की बात है। अगर आप अभी नंदगांव जाओगे ना, गए हो नंदगांव, कौन कौन गए, देखना सबसे ऊपर शंकर जी का मंदिर है, वो पर्वत का नाम नंदीश्वर महादेव, वो पर्वत नहीं, वो स्वयं शंकर ही, ये पर्वत रूप स्वयं शंकर जी ने ही धारण करके रखा है, हैं? इसलिए वो जब भगवान को स्नान होता है वहां से नाली आई है, और वो जो पानी शंकर जी के सर के ऊपर में जब स्नान करते टपकाते हैं। बोले क्यों, बोले ये गंदा कौन है, ये भगवान की चरणा मिलता है, इसलिए शंकर जी को सबसे प्यारा ठाकुर का चरणा मिलता है, और कृष्ण का चरणा मिलता है, ये गंगा है कृष्ण का चरण स्थल निकली, वहाँ शंकर जी के सर पर टपकता है। जब भगवान को भोग लगता है वहाँ पर, सबसे पहले वो प्लेट श्री शंकर जी के पास में आएगा, शंकर जी खाएंगे, फिर वो प्रसाद सबको फिर प्रसाद मिलता है। देखो एक चीज सीख्या लेकर के जाओ, कोई भी चीज हो पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाओ, कृष्ण को भोग लगाओ ना वो हो जाता है प्रसाद। फिर वही चीज शंकर जी हो, माता जी हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, फिर उसको उनको भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद नहीं कभी वो महा महा प्रसाद हो जाता है। जैसे राम दरबार है, कभी कभी हम लोग लड्डू बनाते हैं और सिद्धार लेकर के हनुमान को भोग लगाते हैं, ये तो मुंह में ठोसते खाओ, भैया हनुमान क्या भूखे तेरे लड्डू भी खा लेंगे। एक मन किया 100 मन भी हनुमान को सामने रख लो ना, वो देखेगी भी नहीं उसको तरफ में। क्यों, जब तक प्रभु राम की भोग में नहीं लगे, जब तक माता जानकी नहीं खाए, जितने भी दे दो वो ग्रहण करने वाले नहीं। अगर राम सीता को भोग लग जाए ना, फिर देने का जरूरत नहीं, लपक कर खा लेंगे, वो लपक कर खाएंगे। इसलिए जब राम दरबार लगा हुआ होता है, हनुमान जी कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, राम के चरण में बैठते हैं, इसलिए वो भगवान की एकनिष्ठ सेवक है। इसलिए सबसे पहले कृष्ण हो राम हो, सबसे पहले इनके भोग लगाओ। हनुमान जी कौन है, ये शंकर ही है। कहते रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान, ये शंकर ही, ये हनुमान बन करके
प्रभु की सेवा करने के लिए बता रहे हैं। इसलिए सबसे पहले श्री कृष्ण को राम को भोग लगाओ और जितने देवा देवियों को खिलाओ ना, बड़े प्रसन्न होकर खाएंगे और खूब आपका आशीर्वाद है। बोले श्री भोले बाबा की जय। जय श्री राम। अभी कृष्ण और जब थोड़ी बड़े हुए, एक दिन मैया ने देखा कन्हैया अपने आप करवट ले लिया। मैया को तो बड़ी खुश हो गई, बोले लाला ने करवट लिया है, आज घर में हम उत्सव मनाओगे। राजा की बेटा है ना, जितने माताओं को नौता दे दी, आओ आज घर में हम ठाकुर का कीर्तन करेंगे। देखना आप लोग पुराना पुराना समय में देखना, घर में कुछ हो क्या करते थे, ढोलकी मजरा लेकर के माताएं हरि कीर्तन करती, क्योंकि जब भगवान की कोई कीर्तन को माध्यम से कोई भी काम करो, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर का नाम लेकर के कोई भी आप काम करना, शादी फादी बच्चे का बर्थडे, पहले माता यही करती थी, ढोलकी मजरा लेकर ठाकुर का कीर्तन करती थी। वो डिस्को डांस उल्टा पुल्टा फिल्म का ये सब चीज कहीं नहीं चलती थी। अभी जैसे शादी में उल्टा पुल्टा शराब पी पा करके उल्टा पुल्टा डिस्को, पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले हर चीज में भगवान की कीर्तन से भजन से ये सारे काम करते थे, इसलिए हर चीज क्या होता था, मंगलमय होता था, क्योंकि ठाकुर का नाम लेकर कोई भी काम करना, देखना कोई भी काम ठाकुर का नाम लेकर करो, अगर उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो ना, ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं, सारे विघ्न को दूर कर देते हैं। ये शराब पीना मांस मछली खाना ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये सब अंग्रेजियों का संस्कृति है। केक काटना ये हमारी संस्कृति नहीं, केक काटना ये सब अंग्रेजियों का संस्कृति है, केक काटना। हमारी संस्कृति तो ठाकुर का भजन पूजा कीर्तन से सारे काम करना। इसलिए मैया ने सबको नौता दे दी, आ जाओ आज घर में हम ठाकुर का कीर्तन करेंगे, ठाकुर जी की बधाई गाएंगे, ठाकुर जी के भजन गाएंगे। अभी उन्होंने घर का जितने सामान को एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया और कन्हैया को उसको नीचे लेटा दी। क्यों, अभी लोग आएंगे, सब माताएं आएंगी, किसको क्या देना लेना, अगर ये बच्चा अगर जग जाएगा रोएगा फिर सर घर का सारे काम काज को कौन करेगा। अभी कृष्ण को लेटा करके सब सखियां बैठ करके भगवान की बड़े सुंदर कीर्तन कर रहे थे। मेरा भजन के बजे गुरु वृंदावन बिहारी राम की जय। जय जय श्री राम। तू कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 ओ मैया 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 लगे मोहन मैया मैया, लगे मोहन मैया मैया, ओ मैया 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 मैया, लगे मोहन मैया मैया, लगे मोहन मैया मैया
तुम्हें कहूँ न Thank you.
कृष्ण को लेटा दिया था बैलगाड़ी को नीचे, इतने में कृष्ण का नींद मुड़ गई। बोले देखो ये कीर्तन मेरा ही है और उद्देश्य मेरे को लेकर के और मेरे को कीर्तन से कैसे अलग कर दिया। अभी कृष्ण चाहते हैं अपना कीर्तन को थोड़ा आनंद ले, लेकिन कृष्ण का उम्र अभी कितना, केवल 3-4 महीना का है। अभी घुटन पर कोई प्रभु चल नहीं सकते। कृष्ण ने सोचा अगर जोर जोर से मैं थोड़ा रो लूं, मैया को कान में आवाज पड़े तो मैया मेरे को फिर गोद में उठा करके ले आएगी। कृष्ण रोना शुरू कर दी, लेकिन मैया को लेन देन में लगी हुई, कौन आया किसको लेना क्या देना, मैया को कान में आवाज ही नहीं पड़ी। कृष्ण सोचा इतना तो रो लिया, भैया कब तक रोऊं, इतने तो मैंने रो लिया। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया कंस को प्रेरणा की। कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा, इसका नाम था उत्कच। एक दिन इसने लोमर से ऋषि की आश्रम में प्रवेश करके ठाकुर जी के लिए जो पेड़ पौधा फूल था उसने एकदम तसनच कर दिया। ऋषि ने कहा ठाकुर इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए, और ठाकुर जी की बाग को उजाड़ने के लिए हम तेरे को अभिशाप देता हूँ। जिस शरीर में तेरी इतनी अभिमान, ये शरीर ही तेरी नहीं रहेगा। बोलते ही उसका शरीर तो गायब होने लग गया, अभी सारे नशा उतर गया। ऋषि की चरण में गिर पड़े, बोले मेरी अपराध हो गई, मेरे को माफ कर दो, अभी बता मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे उनकी चरण स्पर्श से तुम्हारी उद्धार होगा। अभी कंस ने सकटासुर को भेज दिया, उसका शरीर था ही नहीं। वो देखा कृष्ण कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए, उसका तो शरीर था नहीं। सोचा ये गाड़ी को ऊपर में सवार हो जाऊँ और धीरे 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 दबाते दबाते ऐसे दबाऊँ कृष्ण तो नीचे से पीस जाएंगे। कृष्ण ऊपर में देखा, बोले मामा आए, कंस मामा, इसलिए इनकी संबंधी सब मामा लगते हैं। बोले मामा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। कृष्ण अपना कोमल चरण को, केवल 3-4 महीने की कृष्ण धीरे 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 चरण को हिलाते हिलाते ऐसे उन्होंने सकट गाड़ी में मारे बैलगाड़ी में, वो गाड़ी तो एकदम पलट गई। उसको ऊपर में जितने दूध दही मक्खन था सबके सब तसनस हो गया, सबके सब इधर उधर बिखर गया सबके सब। और गोपियां बैठ करके कीर्तन गा रही थी, बोले भैया आंधी तूफान कुछ है ही नहीं, पलटी तो पलटी कैसे। भागते भागते आए, देखा एक दैत्य मरा पड़ा हुआ है। फिर मैया ने उसको उठा करके ले गई,
और कीर्तन को बीच में लेटा दी, फिर सबके सब कीर्तन किया तो कृष्ण खुश हो गए। बोले भैया मैं तो यही चाह रहा था, पहले से अगर मेरे को ले आते ना मैं इतना नटखट ही नहीं करता। देखो ये लीला में शिक्षा किया है, अच्छे तरह समझो, बहुत अच्छी बात बताए। जैसे घर में उत्सव हो रही थी, लेकिन उत्सव से उन्होंने भगवान को क्या किया, वहां से अलग कर दिया। कहा लेटा दी, बोले बैलगाड़ी के नीचे, और जितने घर का सामग्री था ना वो बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। कहते कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं, घर में बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, शादी घर में हो रही है, लेकिन क्या करते हैं, सारा दुनिया लोगों को बुलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन जो ठाकुर है ना वो जैसे तैसे बैठेंगे, अपना दिन में दो बार ड्रेस को चेंज करेंगे, लेकिन घर में ठाकुर जी बैठे हुए 15 दिन से ये कपड़ा पहन कर बैठे हुए। जिसने हमें सब कुछ दिया, दुकान मकान सब दिया, उसको भोजन नहीं, उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके पिलाएंगे खिलाएंगे गंदी गंदी चीज, लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दिया वो चुपचाप बैठा हुआ, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। ठाकुर जी कहते भैया अगर मेरे लिए नहीं करोगे ना फिर मैं ऐसे ठोकर मारूंगा, सब तुम्हारे सत्यानाश कर दूंगा, ठोकर ऐसे मैं मारूंगा, इतने विपत्ति घर में दूंगा, इसलिए भैया जो कुछ करो मेरे को लेकर ही करो। जैसे घर में खाना बनाए, सबसे पहले क्या करो, दुनिया को मत खिलाओ, पहले ठाकुर को खिलाओ, घर में ठाकुर को तुलसी पत्ता दे करके पहले भगवान को भोग लगे, फिर तो वो दुनिया को खिलाओ, फिर प्रसाद हो जाएगा, भगवान के प्रसाद से सबको कल्याण हो है। अपना लिए कपड़ा ला रहे होने तो बच्चे के लिए नहीं, पहले बच्चे के लिए भी अपना लिया नहीं, पहले ठाकुर जी के लिए देख, कहेंगे नहीं ठाकुर का तो 2-4 सेट है, बोला अपना अलमीरा में देखो कितना साड़ी कितना कपड़ा रखे, कितना सेट रखा होगा। इसलिए द्रौपदी ने ठाकुर जी को अंगुल कट गई, द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी फड़ करके केवल अंगुल में बयान्डेज कर दी, ठाकुर जी भरी सभा में, ठाकुर जी कितने वस्त्र ठाकुर दिए, बोले 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, ना नारी बीच कोई साड़ी है, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले किसके लिए करो, किसके लिए करो, ठाकुर के लिए, अपना लिए नहीं। ये मत सोचो हमारी कितना ड्रेस है, नहीं, पहले देखो ठाकुर का कपड़ा है कि नहीं है, ठाकुर जी के लिए कपड़ा है कि नहीं, सब पहले ठाकुर उसको बाद में फिर अपना को देखनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, देखो एक संतों का कहना है, जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, शुभ विवाह कर रहे हो, कहते कितने बोतलों तुड़वा देते हैं और कितने लोगों को जानवर मार करके कितना मुर्गा मुर्गी को खिला देते हैं, कितने जानवर को खिला देते हैं। वो संत कहते थे बोले भैया जिस उत्सव में तुमने इतने बोतलों तुड़वा दिया और इतने जानवर को तुमने मरवाया, कहते वो बच्चा का कभी कल्याण होगा। जिस बच्चे के उद्देश्य में इतने बोतलों तुमने तुड़वाया है और इतने जानवर को तुमने मरवा दिया, बताओ उसका कल्याण कभी होगी। वो कहते थे अगर 50 साल बच्चा होगा ना झट आधा उम्र में उतर करके आ जाएगी। क्यों? जिसकी उद्देश्य में तुम इतने पाप कर्म को जिसके उद्देश्य में करते हो वो कभी कल्याण नहीं हो सकता। करो भगवान के लिए, ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर को उत्सव करो, ठाकुर का कीर्तन हो, उसमें बच्चा का भी कल्याण, साधु में भी मंगल, सबका भी कल्याण कर लेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्णा और धीरे धीरे कृष्णा बड़े हुए तो अभी कृष्ण का कोई नाम करने संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन नंद बाबा क्या सोचते हैं, कृष्ण मेरे लाला, वसुदेव सोचते हैं लाला मेरो है, लेकिन दोनों का ही लाला है। अभी श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य उनका पुरोहित है, गर्गाचार्य को बुलाए और गर्गाचार्य को बुला करके बोले आप थोड़ी सी वृंदावन जाओ, आपको पता है कृष्णा मेरे लाला है और ऐसे एक नाम रखियो जो कि मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ नाम रखना। क्योंकि पहले जब नामकरण, अभी भी देखना जब नामकरण होता था ऐसे नहीं मन में जो आया टुल्लू बुल्लू टिक्की फिंकी कोई बच्चा का नाम रख दिया, नहीं ये ऐसे नहीं रखनी चाहिए। पहले
ब्राह्मण को पास में जाओ, उसका समय देखो किस समय में वो बच्चा जन्म हुआ है, वो समय देख करके उसका पहले एक अक्षर निकलता है, ये अक्षर को पहले रखो, फिर कोई नामकरण बच्चे को करवाओ, देखना वो बच्चे के ऊपर में अच्छा अच्छा असर पड़ेगा, बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छा करेगा, घर में शांति सुख भी रहेगा, बच्चा का नेचर भी अच्छा होगा, हैं, बच्चा अच्छा बनेगा। इसलिए कभी भी नाम को ऐसे नहीं रखनी चाहिए। देखो आप लोग तो हिंदू है, देखना शादी से पहले जन्म पत्री मिलाते हैं, मिलाते कि नहीं जन्म पत्री, जन्म पत्री क्यों मिलाते हैं, कारण क्या, वो बच्चा जिस नक्षत्र और समय में जन्म हुआ है वो बड़ा महत्व रखता है, इसलिए जन्म पत्री मिला करके फिर बच्चों को हम शादी कराते हैं, फिर देखना दोनों बड़े प्रीतिपूर्वक जिंदगी भर दोनों आनंद में अपना जीवन को बिताया करते हैं, अपना जीवन को बिताते हैं। इसलिए आप देखना पहले पहले सबके साथ ज्योतिष को बुला करके नामकरण करते थे, हर चीज़ को करते थे, इसलिए देख सुन करके शादी विवाह देते थे, इसलिए कभी भी ये डाइवोर्स नहीं होता था। डाइवोर्स को भी नाम सुने हो, बड़े बूढ़ों को बुजुर्गों को भी सुने ही नहीं, लेकिन अभी देखो भारत में कितने डाइवोर्स होते हैं, कितने कितना डाइव, कारण क्या, कारण है हम लोगों ने शास्त्र ग्रंथ को नहीं मानते हैं, इसलिए ये सब गड़बड़ी हो रही है। शास्त्र ग्रंथ को हिसाब से चलेंगे तो जीवन हमारी सुखमय चलेगा, अच्छे तरह से जीवन हमारे व्यतीत होगा। इसलिए श्री गर्गाचार्य जी को उन्होंने बुलाया, बोले एक बार गोकुल में जाओ और मेरे लाला कृष्ण का नामकरण करके आओ। अभी गर्गाचार्य नंद बाबा को घर में आए, नंद बाबा तो बड़े खुश हो गए, अहोभाग्य घर में संत आए, यानी कि चरण धूलि पड़ा, घर में कीर्तन होएगा, घर में सत्संग होगी, हमारी घर धन्य हो जाएगा। इतने में श्री नंद बाबा खुद बोल पड़े, बोले जब आप कृपा करके आए हो हमारा बेटा का एक नामकरण करवा दो, वो तो इसलिए आए थे। इतने में जसोदा और रोहिणी कृष्ण बलराम को लेकर के आए। अभी सबसे पहले बड़ा बेटा श्री बलराम प्रभु का नामकरण किया, उन्होंने जब आंख बंद करके ध्यान लगाया, ये बेटा कौन है, बोले शंकर सन कारण तोय साई गर्भो दसाई चपयप्ति साई शेषांश जस्यांश सकला स नित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपद्ये। बोले नंद बाबा, कहते ये तुम्हारी जो बड़ा बेटा है ना, ये साधारण नहीं, ये साक्षात शेष है, अनंत देव है, जिनके सर के ऊपर में ये विश्व ब्रह्मांड एक सरसों जैसे वो विश्व ब्रह्मांड को धारण करके रखे, इसका नाम होगा बलराम होगा, इसका नाम बोले बलराम क्यों नाम पड़ेगा, बोले ये बल मतलब ये बड़ा बड़ा बलवान बनेगा, अरे राम मतलब होता है ये सभी का हृदय में रमण करेगा, सबको वो आनंद देगा, इसलिए इनका नाम होगा बल राम, इसका नाम होगा। अभी कृष्ण का नामकरण करवाएंगे, गर्गाचार्य भी ध्यान लगाए, ध्यान लगाए तो उन्होंने देखा उनको ध्यान पूरी की पूरी लग गई, वो आँख ही नहीं खोल रहे थे। बोले क्यों, बोले जिसका एक दो तीन चार नाम हो उसका तो कोई एक नाम रख लो, लेकिन ये दुनिया में जितने नाम है ना सब इनका ही नाम है, कहते ना हरि तथा अनंत, इनका अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश मोहन गोपाल, इनके कितने नाम हैं, और देखा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड इनसे प्रकट होता है, सृष्टि होता है। अभी तो वो चिंता में पड़ गए, भैया नाम रखे तो कौन सा नाम रखे, नाम तो बहुत सारे इनके हैं, विश्व ब्रह्मांड का यही मालिक, वो तो आँख खोल ही नहीं रहे थे। इतने में श्री नंद बाबा ने उनको हाथ पकड़ करके हिलाए, अरे बोलो ना मेरे लाला का नाम क्या होगा। तब श्री गर्गाचार्य कहते हैं, बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। बोले नंद बाबा, तुम्हारा ये जो बेटा है ना, ये हर युग युग में आता है, ये सत्य युग में आया,
शुक्ल वर्ण धारण करते हुए और जगत में इन्होंने ध्यान को मैंने शुक्ल ध्यान को मैंने शिक्षा देकर गए। खैर उन्होंने त्रेता युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आए और उसी समय में जो त्रेता युग का युग धर्म उन्होंने यज्ञ को स्थापन किया। कलि युग में तुम्हारे बेटा ये गौर वर्ण धारण करते हुए आएगा, इसलिए इनका नाम होगा गौर हरि होगा। बोले इधा नहीं, अभी तुम्हारी ये बेटा ये कृष्ण बन करके आए, काले रंग लेकर के आए, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले ये हर युग युग में तेरे लाला जन्म लेता है और कभी सत्य युग में अकाल पड़ गया और तुम्हारी बेटा आकर के ये सारे विश्व ब्रह्मांड को रक्षा किया है, इसलिए हर युग में अवतीर्ण होता है। इनकी अनंत नाम है, अनंत रूप है, इनके अनंत गुण है। जब ये सब बात को बता रहे थे वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई। मैया जसोदा सोच रही थी ये ज्योतिष कोई काम की बात नहीं बता रहे, ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था, पर यह इसमें क्या मतलब है क्यों? बोले मैया जसोदा देखो क्या सोच रही थी, मैया अभी हो गई बूढ़ी। बोले भैया कब तक ये घर का काम काज को मैं करूं? अरे ये ज्योतिष ये तो बताए मेरे लाला कब बड़े होएगा, फिर कितने शादी होएगी, घर में बहू कब आएगी, अरे ये सब बात तो बताए। बोले क्यों? बोले घर में देखना जब तक बहू नहीं आ जाती है ना तब तक माताओं को सारे घर का काम काज करना पड़ता है, लेकिन घर में जो बहू आ जाए फिर बहू घर का सारे काम को संभाल लेती है और माताओं को विश्राम मिलता है, इसलिए मैया सोच रही थी मैं तो बूढ़ी हो गई तब तो घर का काम करूं। ये तो बताए बेटा कब बड़ा होगा, घर में बहू कब आएगी और इनकी शादी कितने होगी, ये तो बताए। इतने में श्री गर्गाचार्य एक श्लोक को बोले ना मैया को बड़ी खुश हो गई। देखो एक श्लोक में दो अर्थ होता है, बोले बहुनी संति नामानी, वो तो कह रहे थे इनकी नाम रूप बहुत होगा, लेकिन मैया अपना मन मन में अर्थ लगा रही थी, बोले बहुनी संति मतलब तेरे लाला के बहुत सारी बहू होगी और सब अलग अलग नाम होगा, इनके रूप गुण भी अलग होगा। भैया तो खुश हो गए, बोले भैया जितना बहू होगी उतना तो सास की सेवा करेगी। इसलिए कृष्णा जब वृंदावन में थे राधा रानी तो थी, ललिता विशाखा चंपकलता सखियां थी, फिर कृष्णा जब मथुरा जाते हैं द्वारका, फिर उनको 16108 पटरानी वहां पर भगवान की 16100 पटरानी वहां पर होती है, इसलिए बोले इनके अलग अलग नाम होगी, रुक्मिणी मित्रविंदा कालिंदी यमुना लक्ष्मणा नागनजी, कोई गौरवर्ण की कोई काली कोई सावरना वर्ण की। भैया तो खुश हो गए, बोले वाह ज्योतिष से भी काम की बात बताई है, बड़े प्रसन्न हो गए और कृष्ण को लेकर के उनको चरण में लेटा दी। बोले बाबा थोड़ी इसका आशीर्वाद दो, और गर्गाचार्य जी ऊपर से थोड़ी सी आशीर्वाद दिए और बड़ी प्रसन्न होकर के चले गए। जब चले गए इतने में ब्रज की जितने बड़ी बूढ़ी पूछे, बोले लाला का नाम क्या रखा ज्योतिष ने? बोले बड़ा बेटा का नाम रखा बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण। बोले नाम तो बड़े अच्छे हैं लेकिन ये जो कृष्ण नाम देखना, ये जीवा जब तक तीन बार पलट नहीं जाती है ना तब तक ये कृष्ण नाम नहीं निकलती। बोले कोई बात नहीं पत्र में कृष्ण बलराम रहे लेकिन अपना जो घर का नाम रख लेंगे पलुआ और बलुआ, इसी नाम से दोनों बच्चों को हम पुकारेंगे। बोले श्री कलुआ बलुआ की जय जय श्री राधे। अभी धीरे धीरे कृष्ण जब बड़े हुए एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं भैया ब्रज में जो कोई आए ना सबके सब एक चीज को प्रार्थना करे, राधे तेरी चरणों की ब्रज धूल जो मिली जाए, सबके सब यही प्रार्थना करते हैं। इसलिए रसखान कहते हैं ब्रज में आओ दो काम जरूर करना। बोले क्या? बोले रमण रहती लेटो नहीं कियो ना जमुना पा, एक में तो रमण रहती मैं जाकर के लौट फोटो खानी चाहिए, क्यों वहाँ का जो धूल है वो धूल नहीं भगवान ब्रजवासियों का चरण धूलि है। बोले जिस चरण धूलि को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव भी
जिस रज को प्रार्थना करते हैं, इसलिए जरूर रमन रज में जाकर के लोट पट उठानी चाहिए। और क्या बोले, क्यों ना यमुना पान, बोले ये यमुना है वो कोई साधारण नदी यमुना नहीं। इसलिए शास्त्र में बताए, चिदानंद भानो सदानंद सुनो परम प्रेम गात्री लगा नाम अवित्री। कहते गंगा में स्नान करने पर जो फल है, बोले जमुना को स्मरण करने में वही फल है, जमुना को स्मरण करने में वही फल है। बोले ये यमुना कैसे प्रकट हुई, बोले एक समय भगवान अपना राग को सुने, जब राग रागिणी सुने भगवान के शरीर से पसीना निकली, पसीना निकली तो भगवान मोटे मोटे काजल पहने हुए थे, वो पसीना काजल में मिल गई, हो गई काली। फिर इनकी बक्षे स्थल को भिगाते हुए, इनके चरणों को स्पर्श करते हुए जो बहती है, कहती है श्री जमुना पटरानी, ये जमुना ये महारानी। इसलिए ये जमुना साधारण कोई नदी नहीं, कहते एक स्वरूप में कृष्ण का पटरानी, दूसरे स्वरूप में भगवान कृष्ण की सखी भी ये श्री जमुना महारानी। इसलिए ब्रज में जा करके जरूर जमुना में आचमन, नहीं तो जमुना में हमें स्नान करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण सोच रहे थे, ब्रज ब्रज में आए तो सबके सब यही कहते हैं, ब्रज धूल जो मिल जाए, बोले भैया ये ब्रज धूल में है क्या चीज। एक दिन ब्रज रज को आस्वादन करके तो देखो, एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी की एक ढेला खा ली। सखाओं ने बोले कन्हैया ये मिट्टी मत खाया करो, पेट खराब हो जाए। लेकिन कृष्ण सुने ही नहीं, मिट्टी 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 खाते जा रहे। सखाओं ने मैया से शिकायत कर दी, बोले मैया आज तो कन्हैया इतनी मिट्टी खा रहा है, किसकी बात ही नहीं सुनता है। मैया बोली अभी तक मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी उसने मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मैया तो हाथ में के छड़ी लेकर के आई और सीधा कृष्ण की कान को पकड़ी, बोले चूरे घर में कोई मक्खन मिश्री की कमी और तुमने ये मिट्टी खाई आज ने। कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दी, बोले मैया बोले ना अहम भक्सी तवानंबो सर्वे मिथ्या विसंसिन, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सखा लोग जो बोलते हैं मिट्टी तुमने खाई, बोले मैया जी कहा भैया तेरे को पता है, बोले क्या हो, बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से सब मिठाई लड्डू मालपुआ ये सब के सब चोरी चोरी करके लाते हैं। भैया तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीज खाता ही नहीं, बोले मेरे को अच्छे तरह से बताए तू क्या करता नहीं करता। बोले मैंने जब नहीं खाया तब वो समझ गए अब ये घर में जा कर के चुगली कर देगा, और मैं चुगली करने से पहले हमारे नाम पर इसने चुगली कर दी, और तुम इनकी बात में जल्दी आ जाती हो, मेरे ऊपर विश्वास नहीं। लेकिन मैया को हर माताओं को अपना बच्चों का जो करतूत हर माताओं को पता रहता है। कृष्ण ने कहा मैया अगर मिट्टी खाए मुंह से तो खाए, बोले हाँ, बोले मेरे मुंह खोल कर देख ले फिर विश्वास नहीं होता। तो कृष्ण सोच रहे थे शायद मैया मान जाएगी, लेकिन मैया कहाँ मानने वाली। इतने में मैया ने एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल में देखना चाहता हूँ। इतने में डरते हुए कृष्ण अपना मुंह खोल दिए, सचमुच से कृष्ण को मुंह में अभी थोड़ी मिट्टी लगा हुआ था। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैया अगर देख लिया मुंह में मिट्टी ना, एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में कान पकड़ करके रखी और एक डंडा भी नीचे नहीं और पीठ को भर गिरेगा। इसलिए कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया ने किया कि कृष्ण का मुंह से सब कुछ उन्होंने अंतर ध्यान करके उनको मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन कराया। मैया यशोदा देख रही थी कितने नदी कितने ग्रह कितने नक्षत्र चंद्र सूर्य शंकर ब्रह्मा ऋषि मुनि ये सब के सब देख दर्शन कर रही थी और देख रही थी खुद को खुद पेट के अंदर में देख रही थी। मैया तो डर गई, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं। जब उसने डर गई इतने में कृष्ण भी डर गए, बोले क्यों,
बोले मैया को अगर पता चलेगा मैं भगवान हूँ, अरे मैया क्या करेगी? जैसे घर में सालग्राम के लिए एक मंदिर बनाई, मेरे लिए भी एक मंदिर बनाई, और वो मंदिर में मेरे रख करके जैसे थोड़ी सी लड्डू नहीं तो मिश्री भोग लगा देती हैं, और घंटा हिला करके तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें बोल करके दरवाजा बंद कर देती है, मेरे को भी दरवाजा बंद करके अंदर में रख लेती। मैं जो सखाओं के साथ में लीला करता हूँ लीला खत्म हो जाएगी। कृष्ण डर गए, जब डर गए उनकी जो इच्छा शक्ति जोग माया ने, खैर उन्हें सब कुछ अंतर ध्यान कर दिया। मैया देखती है वही छोटा सा मुंह और कुछ नहीं। फिर मैया ने काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राई नून की मंत्र करके लाला को पर छिड़काव करवाए, हो ना हो कोई भूख तो नहीं लग गया। देखो हरे कृष्ण, आप लोग बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं? अब बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं? बताओ खाए थे ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण फिर कैसे बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई? दुनिया बोलेंगे क्या भगवान जब झूठ बोले उसमें कोई दोष नहीं है? जब हम लोग झूठ बोले हमारी दोष है, और कृष्ण जब झूठ बोले कृष्ण झूठ में कोई दोष नहीं, लोग ये बोलेंगे ना। लेकिन इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं भैया भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक में देखना वो लिखा हुआ सत्यंग परम धीमहि, क्योंकि वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। फिर कृष्ण जब मातृगर्भ में आते हैं तब 33 करोड़ देवता उनको सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य बोल करके 33 करोड़ देवता भगवान को स्तुति करते हैं। पहले जो सत्य था अभी भी सत्य है, जो बीच में सत्य है, जो सनातन है। फिर भगवान फिर ये झूठ कैसे बोल दिए ठाकुर जी मैंने मिट्टी नहीं खाई? तब श्री वल्लभाचार्य कहते हैं बोले ठाकुर कभी झूठ नहीं बोलते। बोले अभी तो बोले मिट्टी खा करके मना कर दी मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल दे करके समझाए कैसे कृष्ण मिट्टी नहीं खाए। देखिए जी को समझो, पहला उदाहरण दिए बोले खाना किससे कहते हैं? हमसे जब कोई वस्तु अलग होता है हम उसको खाना कहते हैं। जब हमसे कोई चीज हो तभी तो खाएंगे ना। इसलिए कृष्ण ने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखाए। बोले मैया मैंने कब खाए? ये दुनिया तो मेरे पेट के अंदर में, तेरे विश्वास नहीं हो रही है? देख ले सारे विश्व ब्रह्मांड मेरे गर्भ में, मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ हुई नहीं, अरे मैंने खाया कब? ये एक बात। दूसरी है ये एक संस्कृत शब्द है बोले ना अहम भक्षितवानम। जब इसको संधि करते हैं होता है ना अहम, मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई। लेकिन ये शब्द को अलग नहीं करके जब एक करते हैं वो होता है नाहम। बोले नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले माँ तू मिट्टी की क्या बात करते हो, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड तो मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं? देख ले मेरे मुंह को है, देख लो। इसलिए कृष्ण ये मिट्टी खा करके बोले माँ ये जो ब्रज रज है ना, ये ब्रज रज कोई साधारण वस्तु नहीं, ये ब्रज रज तो ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद ये भी ब्रज रज के लिए तरसते हैं। देख माँ मैंने अकेले ये ब्रज रज को नहीं लिया, जब ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने ये ब्रज रज को दिया, सबके सब ब्रज रज से संतुष्ट हो गए माँ है। इसलिए भगवान मिट्टी को खा करके विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने ये ब्रज रज में अभिषिक्त किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री हाँ। देखो ये जो तिलक है ना हरे कृष्ण, सब ध्यान देखो सुनो, ये जो तिलक है ये क्या चीज है? कभी यही ब्रज रज है। बोले एक समय भगवान कृष्ण को नारद जी प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु जगत में सबके सब कहते तेरा भक्त है, लेकिन तेरे भक्त में सबसे बड़े भक्त को थोड़ा बताओगे? कृष्ण ने कहा देखो नारद, समय आने पर ये बात मैं तुमको बता दूंगा। एक दिन कृष्ण जान बुझ करके
सर दर्द और बुखार के इलाज करता है। अभी श्री वसुदेव महाराज डॉक्टर वैद्य को बुलाया, बोले इनको शरीर में तो कोई बीमारी है ही नहीं। उन्होंने बीमारी को पहचान नहीं पाई। इतने में नारद जी आए, इतने में नारद जी बोले प्रभु जो तेरे नाम लेते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं, पर आपको शरीर में दर्द और बुखार है ये तो बड़े अद्भुत लीला है, आप ही बताओ क्या दवा चाहिए। बोले नारद एक दवा ला सकते हो? बोले बताओ। बोले अगर मेरे कोई प्यारे भक्त हो अपना चरण धूलि दे करके मेरे को चरण धूलि दे इसमें मेरे की स्नान कराया जाएगा मेरे सर दर्द बुखार अपने आप सही हो जाएगी। बोले नारद दुनिया कहते तू मेरे सबसे बड़े प्यारे भक्त हो थोड़ा चरण धूलि दे दे। बोले राम 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 प्रभु आपका चरण धूलि देकर के नरक भेजना चाहते हो। बोले यहाँ पर तो बड़े बड़े भक्त हैं, यहाँ पर बड़े बड़े भक्त हैं उद्धव जी शास्त्री मेरे 16,108 पटरानियाँ इनसे किससे जा करके चरण धूलि मांगो। अभी जिनियों को पास में गए और मांगे ना सबके सब गाली निकाले। बोले भगवान को चरण धूलि देकर क्या नरक भेजना चाहते हो? कोई भी देना नहीं चाह। नारद जी उदास होकर के वापस आ गए। बोले प्रभु जी ऐसे की चीज मंगवाए कोई भी ये चरण धूलि नहीं देना चाह और सबके सब गाली निकाले बताओ क्या करना है। बोले सब जगह में गया। बोले हाँ। बोले तो वृंदावन गया था? बोले प्रभु केवल मैंने वृंदावन नहीं गया, मैंने चाहे सब ग्वालिनिया दधि मंथन करने वाले कंडा भिन्नने वाले इनको भक्ति क्या पता है। बोले नारद जी अगर हमारी असली भक्त है ना वो वृंदावन में एक बार वृंदावन जाते हैं। नारद जी वृंदावन में पहुंचे और सारी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले कहाँ से आए? बोले द्वारका से। बोले हमारे लाला कन्हैया कैसे हैं? बोले कन्हैया को तो सर दर्द बुखार है। बोले दवा नहीं दिया? बोले दवा तो लेने के लिए आया हूँ। बोले कौन सा दवा? बोले प्रभु बोले अगर मेरे कोई भक्त अपना चरण धूल दे उससे मेरे को स्नान कराए तो सर दर्द बुखार सही हो जाएगा। बोले कोई बोरी भोरी लाया कि नहीं लेने के लिए? जितने ब्रजवासी थे ना अपना चरण को रगड़ रगड़ करके धूल को निकाल और एक पोटली बांध करके उन्होंने नारद जी के सर पर रख दिया। बोले ले इसको लेकर के भगवान को स्नान करा लिया करा देना। नारद तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले तुम लोगों को पता नहीं कृष्ण भगवान है क्या प्रभु को चरण धूल दे करके नरक जाने का रास्ता खाली कर रहे हो? बोले नारद जी अगर प्रभु सही हो जाए कृष्ण सही हो जाए हमारे चरण धूल से एक जन्म नहीं हम तो करोड़ों जन्म तक नरक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान का दुख नहीं देख सकते हैं। फिर नारद जी ने देखा भैया यही लोग तो असली भक्त हैं, हम तो नरक जाने का चक्कर में कोई चरण धूल नहीं दिए, ये कहते करोड़ों साल के लिए नरक जाने के लिए तैयार लेकिन कृष्ण का दुख नहीं देख सकते हैं, इसलिए नारद जी ब्रज से ये ब्रज धूल को सर पर लेकर गए। कहाँ? द्वारका में गए, भगवान को स्नान कराया गया कि जो तिलक हम लोग लगाते हैं ना ये मिट्टी वहीं से आता है। हम लोग कोई द्वारका गए हो? हम लोग कोई द्वारका गए? कौन कौन द्वारका गए? अब जो द्वारका गए हम देखे होंगे वहां पर एक तालाब है उसका नाम गोपी तालाब है, वहीं से ये ब्रजराज वहीं से आता है, ये साधारण वस्तु नहीं ये ब्रजवासियों का चरण धूलि और भगवान जिसमें स्नान किया, इसलिए आप बांके बिहारी को देखना कृष्ण को देखना जो तिलक है ना यही तिलक लगाए, आप भगवान राम को देखना यही तिलक लगाए, आप श्री हनुमान जी को देखना यही तिलक लगाए, आप गणेश जी को देखना यही तिलक लगाए, अगर आप नारायण को देखोगे ना उनको आधा मुंह तो तिलक में भरा है, आप वेंकट नाथ को देखोगे ना नारायण को इतना तो बड़े बड़े तिलक से भगवान आधा मुंह इनकी तिलक में भरा हुआ है, इसलिए अब लोग तो हिंदू है देखना जैसे कोई अच्छे बिजनेस से कोई जाते हैं कोई अच्छे काम के लिए हम तिलक लगा कर भेजते हैं, क्यों? उसमें तुम्हारी विजय प्राप्त हो, उसमें तुम्हारी विजय प्राप्त हो, इसलिए तिलक ब्राह्मण घर में जब पूजा कराने के लिए आएगा देखना जब तक आपने तिलक नहीं लगाएगा ना आपको पूजा ही नहीं करवाएगा, क्यों? तिलक के बगैर जो पूजा है वो निष्फल है, इसलिए तिलक विजय का लक्षण श्री तिलक है, ठीक है ना। और देखो ये जो तिलक है हम एक ये जो तिलक देख लो ये जो ऐसे जो दो लाइन है
ये बांके बिहारी के दो चरण हैं, उसको नीचे का भाग देखो, जैसे तुलसी दल ठाकुर का चरण देते हैं ना, देखो इसका नीचे का भाग देखो, जो तुलसी पता जैसे, मानो ठाकुर जी के चरण में हमने तुलसी दिया है। और हम लोग जो तिलक बारह जगह पर लगाते हैं, एक ललाट में, एक उदर में, एक बख कंठे पार्श्व में, हाथों में, बारह जगह पर तिलक लगाते हैं, इसमें भगवान के बारह नाम है। ये जो तिलक है, ललाट केशवाय नमः, ये केशव देव, उदर में नारायण, बख में माधव, कंठे में गोविंद, दक्षिण पार्श्व विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, ऐसे भगवान के बारह नाम है। मानव शरीर में भगवान बारह स्थानों में भगवान की निवास हो जाता है, ठाकुर का निवास हो जाता है। कदि एक तरह का कवच का काम करता है ये तिलक नहीं। आप सुने होंगे कर्ण का शरीर में कवच था, जब तक कवच रहेगा ना उसको दुनिया में कोई नहीं मार सकता है। ये तिलक एक कवच है। अब तिलक लगा करके बाहर जाओ, तिलक लगा करके जाओ, इसको स्थापन करते हुए अगर आपका जीवन में बड़े से कोई बड़े दुख होगा ना, आज बहुत बड़ा कोई विपत्ति है, आप तिलक लगा करके जाओ, देखना की विपत्ति नहीं आई। देखो मैं रसिया जाता हूँ प्रचार करने के लिए, एक समय में जब रसिया गया था, एक माता जी थी, उसको पेट में गर्भधारण नहीं होता है और वो भूत पिशाचों को दर्शन करती है, उसको नींद नहीं आती रात में, आँख लाल लाल हो जाता है। उसने इधर उधर बहुत कुछ चीज की लेकिन वो किसी तरह से सही नहीं हुआ। जब मैंने गया था, मेरे को सारे बात बताए, ऐसे ऐसे पेट में बच्चे नहीं आते, मेरे को बड़े अजीब सी स्वप्न आता है, बड़े भयंकर चीज में रात देखता हूँ, पेट में बच्चा नहीं आता है। पहले मैंने उसको बोला ये तिलक लगाया करो, और तिलक लगा करके ये मंत्र के द्वारा इसको स्थापन करो। उसने जब एक दिन की ना, दूसरे दिन में सारे उल्टा पुलटा सब खत्म हो गया। मैं जब दूसरा साल में गया, उसका एक सुंदर बेटा हुआ, फिर उसका मैंने राधाकांत रख करके, उसका बेटा का नाम राधाकांत रख करके उसके बेटा का नाम आया। इसलिए ये तिलक की इतने महत्व, जैसे आपका शरीर में कोई उल्टा पुलटा हवा चक्कर इधर उधर है, आप तिलक लगाओ, देखना ये सब चीज़ें नहीं हुई। नहीं तो बांके बिहारी क्यों तिलक लगाते हैं, राम क्यों तिलक लगाते हैं, हनुमान जी क्यों लगाते हैं, नारायण क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये तिलक लगाने का बड़ा महत्व है। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय 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 श्री राम। हम लोग मेरे पीछे पीछे थोड़ी सी ताली बजाते हुए थोड़ी सी कीर्तन कर लो, ठीक है। सब ताली मीठी मीठी ताली बजा कर बजा, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
चोरी करते थे, खाते थे, मैया को बड़ा खुश होता था। अभी ब्रज की गोपियां सोचती हैं, भैया कृष्ण क्या कभी हमारी घर में आएंगे, कभी हमारी घर में भी मक्खन चोरी करेंगे, और कभी हम भी गोद में बैठा करके ठाकुर को खिला पाए। अभी ये गोपियों की भावना को समझते हुए कृष्ण कभी मक्खन चोरी करने के लिए गए। जब चोरी करने के लिए कृष्ण गए, इतने में एक गोपी पहले से ही मटकी में मक्खन धर दी थी और कोने में छुप करके बैठी थी। बोले आज अगर कृष्ण आएंगे उसको मैं बांध करके रखूंगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण आते हैं एक झलक दर्शन देकर के चले जाते हैं, अगर उनको बांध करके रखना, अच्छे तरह से बैठ करके अच्छी तरह से मैं निहारूंगी, उनको मैं दर्शन करूंगी। इतने में कृष्ण आए, जब कृष्ण मक्खन खा रहे थे अभी उन्होंने कुछ बोली नहीं। कृष्ण जब मक्खन खा लिए, इतने में गोपी झट कृष्ण को पकड़ लिए। बोले कहाँ जाओगे? आज तेरे को मैं बांध करके रखूंगी। कृष्ण बोले देख गोपी, और मैं कभी तेरे घर में नहीं आऊंगा, मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही चोरी कर रहा था। बोले अपना घर में चलो मैं बांध करके रखूंगी। बोले ये खंभे के ऊपर हाथ रख। अभी कृष्ण हाथ ऊपर रखे, जब उन्होंने बांधने के लिए गई, भगवान का हाथ तो मक्खन से भी कोमल, अभी बंधने में नहीं आए, खिसक जाए खिसक जाए। कृष्ण ने कहा गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई कि कभी बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब खुद तुमने बंधी नहीं गई, फिर दूसरों को बांधोगी कैसे? बोले कन्हैया तेरे को क्या बांधना आता है? बोले और क्या? बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख खंगर खंभे पकड़ हाथ रख। कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे, एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ, अच्छी तरह से उन्होंने बांध दिए कृष्ण का हाथ को। बोले कन्हैया बड़ी सुंदर तेरे को बांधना आता है। बोले और क्या? मैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगियों को भी अपना प्रेम में बांध देता हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैंने कभी किसको खोला ही नहीं।
मैं तो सबको दुनिया को अपना प्रेम ही बांध करके रखा, कभी किसको मैंने खोला नहीं। इतने में कृष्ण नौ दो ग्यारह हो गए। ऐसे ही एक गोपी रोज बोलती थी, बोले मैया तेरे लाला मेरे घर में मक्खन चोरी करता है। मैया बोले मेरे घर में क्या कमी है, जिनके घर में नल आग गया है। आप लोग नंदगांव कभी गए हो, कौन कौन नंदगांव गए हैं? अब देखना अभी भी वहां पर एक कुंड है जिसका नाम छांच कुंड है। बोले इतने छांच होता था, मट्ठा कोई पीने वाले नहीं होते थे, उसमें कुड़हाल देते थे। जिनके घर में नौ लाख गैया थी, नदी तो दूध दही की नदी बहती थी वहां पर। बोले मेरे घर में क्या कमी, तेरे घर में मेरे लाला जाएगा? मेरे को विश्वास नहीं, अगर रंगे हाथों से पकड़ा दोगे ना फिर मैं विश्वास करूंगा। एक दिन कृष्ण सचमुच से जाते ही रोज, एक दिन कृष्ण गए, इतने में वो गोपी कृष्ण को पकड़ ली, बोले चल मैया के पास में चल, मैया तेरे विश्वास नहीं करती है। बोले देख गोपी आज छोड़ दे, तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरे सांस की, तेरे ननद की, तेरी कसम की, लेकिन आज छोड़ दे, कल से मैं कभी नहीं आऊंगा। बोले नहीं मैया मानती नहीं, चल। अभी कृष्ण को लेकर के आए, जब आई घर को सामने नंद बाबा बैठे हुए। नंद बाबा जेठ लगते थे, पहले आपको पता होगा कोई जेठ वो सामने नहीं जाते थे, पर्दा करते थे। जब देखा सामने जेठ बैठे हुए, वो गोपी ने पर्दा कर दी और कृष्ण के सर के ऊपर में एक कपड़े से ढक दी। बोले स्त्री स्त्रियों की बात है, पीछे दरवाजा से मैं लेकर के दिखा दूंगी। इतने में वो पीछे से घूम कर के आई, बोले मैया जसोदे। बोले कहा बात है? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है। आज तो तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों से लाई, लेकिन कृष्ण तो भगवान है। मैया जसोदा कृष्ण को पलंग के ऊपर में थपथप लगा करके सुला रही थी। बोले लाला तुम्हारे घर में सोया हुआ किसको पकड़ करके लाए? मैया निकल करके आई, देखा अपना बच्चे को पकड़ करके लाई। बोले क्या बात है? बोले तेरे लाला को पकड़ करके लाई। बोले लगता है भांग की गोला खा लिए जाना। अरे मेरे लाला तो घर में सो रहा है, अभी तो मैं इसको सुला रही थी, तू तो अपना बेटे को ही लाई हो। कृष्ण झट उसके बेटे बन गए और उसके घूंघट निकाली और कपड़ा खोल कर देखा अपना बेटा है। और कृष्ण अंदर से आंखों को मलते 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 निकले। बोले देख लिया भैया ये गोपी कितनी झूठ बोलती है, मैं घर से कभी बाहर जाता ही नहीं, अगर ये इसे झूठ बोलेगी ना मैं जरूर उसको घर में जाकर के मक्खन चोरी करूंगा। वो गोपी तो अक्के बक्के चक्के हो गई। बोले भैया ये दरवाजा तक तो ये था कृष्ण, फिर कपड़ा ढकते ये बदल गया कैसे? अब ये गोपी बड़ी शर्मिंदा में पड़ गई। जब वापस जा रही थी कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। बोले क्यों गोपी क्या बात है, मैंने कितने तुमसे मना की, पांव पड़ी तेरे सांस की ननद की, देखा तेरे बेटे को आज मैंने चोर बना दिया, अगर भविष्य में थैर पकड़ करके लाओगी ना तेरे खसम को चोर बना दूंगा। बोले बोले कन्या मैंने हार गया तो जीत गया है। ऐसे ही कृष्णा घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते थे। एक दिन मैया जसोदा बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन है। बोले क्यों, सारा दुनिया लिखाई पढ़ाई दुकान मकान क्यों करते शादी के लिए? जो कुछ करते कितना मेन उद्देश्य शादी है, दुनिया शादी के लिए पागल होते, तू कहते मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ कैसे शादी होगा, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगी? लगता है तुम कुंवारा का कुंवारा रह जाओगे, तेरे शादी वादी कुछ नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया बड़े गड़बड़ी है, मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी, तुम्हें मक्खन। कृष्ण ऐसे एग्जाम्पल दिए, बोले मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दू ना मैया को लगे सचमुच से मैंने मक्खन चोरी नहीं की, नहीं तो मेरी शादी नहीं हुई थी। मैया कहती है देखो कृष्ण क्या एग्जाम्पल देते हैं, ये सूरदास का भजन है हम सब जानते हो। बोले मैया मोरी मैंने ही मां कर्म खायो, मैंने ही मां कर्म खायो, आ गोरा भयो गई
अब लोग की भजन सब सुने होंगे, हाँ ये भजन देखो कृष्णा उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, बोले भैया ये बताओ मैंने कब मक्खन खाए, बोले भोर भयो गए अन्न को पाचे मधुबन मय भय, चार ही प्रहर बंसी बटक भट्ट को सांझ पड़ो घर आयो, बोले हाँ बोले दीप भर गैया चराया सांझ को आया और रात भर तेरे गोद में सोया थे कि नहीं बताओ, बोले हाँ मेरे रात भर मेरे गोद में सोए, बोले बता फिर मैंने मक्खन चोरी की, कहते मैं बालक बही अन्न को छोटो कहीं विधि छिके पायो, भैया मक्खन कहाँ रखते हैं छिके के ऊपर में, और मैं इतने छोटा सा बालक, कृष्ण को उम्र उस समय 3-4 साल का कृष्ण के, बोले मैं इतने छोटा सा बालक हूँ बता मेरे हाथ पहुँचा कैसे वहाँ पर, बोले तेरे मुँह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है, बोले मैया ये सखा लोग मक्खन तो चोरी करके खाते हैं, अब ये चोर जबरदस्ती मेरे मुँह में मक्खन लगा करके मेरे को चोर बना देते हैं, इसलिए मैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने जन्म दे करके मेरे को कोई फेंक करके चला गया था और तूने वहाँ से उठा करके लाई और मेरे को पालना कर रही है, क्यों सारा दुनिया मेरे को मक्खन चोर और तू भी कहते मक्खन चोर, मतलब मैं तेरे बच्चा है ही नहीं, इतना सुनते ही मैया का दिल तो पानी पानी हो गया, फिर मैया ने कृष्ण को गोद में फेर ले लेती है, फिर कृष्ण बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मां कन्हायो सुनो मैया मोरी मैंने ही मां कन्हायो, ये सूरदास का पद है, देखो कहते हमारे कुछ संत लोग कृष्ण क्यों मक्खन चोरी करते थे इसकी बड़े सुंदर रहस्य बताए, आप लोग घर में मक्खन बनाते हो, कौन कौन जिंदगी में मक्खन बनाए हाथ उठाओ, तो मक्खन बनाए देखना, इसका नाम होता है मखाना, बोले मख मतलब क्या, इसका पर्यायवाची शब्द में म का एक अर्थ होता है क्रोध, ना मतलब नहीं, ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते हैं वो तो दुनिया का मालिक हो क्या चोरी करेंगे सारा दुनिया तो दिखा, बोले मख मतलब होता है क्रोध और ना मतलब नहीं, ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते हैं जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह नहीं, बोले ये चीज किसके हृदय में नहीं, कहते ये संतों के हृदय में भक्तों के हृदय में नहीं, बोले भक्तों में सबसे बड़े भक्त कौन है, बोले ये ब्रजवासी ये ब्रज की गोपी भगवान के सबसे बड़े भक्त है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वो भी एक उदाहरण देते हैं, बोले संत हृदय ना बनी इसलिए ये गोपियां भगवान की सबसे बड़े भक्त है, ठाकुर जी मक्खन चोरी करने नहीं उनके हृदय को चोरी करने जाते थे, आप देखो उसके उदाहरण देकर समझाए मक्खन कैसे बनाते हैं, पहले दूध बलाओ, दूध को फिर गर्म करो, गर्म करना मतलब क्या है, जब किसके हृदय में
भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, हमें ठाकुर कैसे मिलेंगे, ठाकुर कैसे मिलेंगे, यही दूध को गर्म करना, उसको बाद में फिर जमन डालो। और ये जमन क्या है, बोले जमन है जब हमें सदगुरु जो भगवान की हमें नाम देते हैं, ठाकुर जी के नाम जप करने देते हैं, तब यही जमन है। अभी जमन दे दिया, अगर ज्यादा हो जाए ना देना खट्टा हो जाता है फिर, इसलिए सही सही होनी चाहिए। इसलिए जमन ही सदगुरु से जो प्रभु का नाम को ग्रहण किया, अभी हमने जमा दिया, दही जम गई, फिर क्या करो, फिर उसको मंथन करो। बोले भैया मंथन किया है, बोले साधन। ऐसे नहीं गुरु जी से माला ले लिया, हरिनाम ले लिया, अगर माला जहां था लटक रहा है, फिर क्या, फिर भगवान हम मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। हर कलयुग में ठाकुर सबसे सरल उपाय रखे, बोले कलयुग में ज्यादा साधन की जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम जप करो। इसलिए बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी मेरा उतर ही पर, केवल प्रभु का नाम से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कहती है मंथन मतलब होता है साधन करनी चाहिए। देखो एक समय एक गुरु का दो चेले थे, कथा को सुनो ध्यान करिए। एक गुरु के दो चेले थे, गुरु जी ने दोनों चेले को दो आम की गुठली दी, बोले देख बेटा अगर ये आम की गुठली को घर के सामने बोओगे ना, पहले एक अंकुर होगा, फिर दो पत्ते निकलेंगे, फिर उसमें टहनिया निकलेगी, फिर उसमें सुंदर सुंदर फल, पहले उसमें फूल आएगा और बड़े सुंदर सुंदर फल होगा, और तेरे घर को छाया भी देगा, और इतने सुंदर सुंदर फल होगा तुम उसको खा भी सकते हो, और उसको तू अपना बिजनेस भी कर सकते हो, जिसमें तुम्हारी परिवार भी पलेगा। अभी दोनों चेले को उन्होंने दो आम की गुठली मिली, एक चेला ने किया कि वो गुठली को लेकर घर के सामने गाड़ दिया, गाड़ करके और अपना घड़ी को लेकर के बैठ गया, एक घंटा हो गया, उसमें बीज लगा दिया था, पानी दे दिया, एक घंटा हो गया, उसने खोदा कुछ हुआ कि नहीं, कुछ ही नहीं। अभी गुरु जी को ऊपर तो शंका हो गई, बोले गुरु जी झूठ बोले। फिर उसमें मिट्टी देकर पानी दे दिया, फिर घड़ी देकर के दो घंटा बैठा, फिर मिट्टी को हटाया, देखा वो कुछ नहीं, बोले गुरु तो झूठ बोले। फिर उसने मिट्टी को गाड़ करके पानी दे दिया, रात भर बैठा, सवेर फिर खोदा, देखा तो कुछ भी नहीं, बोले गुरु जी बोले अंकुर होगा, पत्ता होगा, टहनिया होगा, कुछ नहीं, रात भर तुम्हारा बेकार ही चला गया। सवेरे वो गुठली लेकर गया और गुरु जी को बोले देव मार, बोले गुरु जी आप इतने झूठ बोले, रात भर मेरी नींद ही बर्बाद हो गई। अभी उन्होंने दूसरे चेले को भी गुठली दिया, गुरु जी जो बोले सही बोले, इसलिए उसने गुठली को घर के सामने गाड़ दिए और गाड़ करके उसमें पानी दिए। सचमुच से 10 दिन बाद में देखा वो फट करके एक सुंदर एक अंकुर हुआ। अभी गुरु जी के ऊपर तो पूर्ण विश्वास हो गया, गुरु जी सही बोले। जब एक महीना हो गया ना, उसमें दो सुंदर पत्ते निकले, उसको और भी विश्वास हो गया। जब 3-4 महीना हो गया, देखा सचमुच से एक छोटा सा पौधा, सुंदर एक वृक्ष निकला, गुरु जी ऊपर और विश्वास। जब 1 साल हो गया, देखा पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया। जब 2 साल हो गया, देखा वो पेड़ धीरे धीरे सचमुच से घर के ऊपर में छाया देने लगा। जब 3 साल हो गए, पूरा घर को छाया दिया, बड़े सुंदर उसमें फूल आया और गुरु जी को फिर पूर्ण विश्वास हुआ, गुरु जी सही बोले। देखा वो जो फल आम की फल, पूरा वृक्ष वृक्ष में आम आम ही है। उसका जो पहला फल जो पका, उसको लेकर के उसने गुरु जी को दिया, बोले गुरु जी आपने जैसे बोला था ना, ये वृक्ष ठीक ठीक वैसे हुआ, ये पहला फल आप लीजिए, ठाकुर को भोग लगाकर खाओ। और इतने फल गुरु जी हुए, उसका हम खा भी सकते हैं और उसका अपना बिजनेस में लगा करके अपना घर संसार भी पल सकता है। इसलिए देखो गुरु जी तो भगवान, हमें नाम दिए गुरु जी, अगर वो माला को अगर हम लटका कर रख देंगे, बोले कि गुरु जी जो बोले बेकार बोले, उसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें गुरु जी का दोष ना चलेगा, दोष है बोले किसका, किसका दोष है, इसमें हमारी दोष है। ये जगत का कोई भी बिजनेस करो फेल हो सकते हो, लेकिन ये भक्ति की बिजनेस में अभी तो कोई फेल ही नहीं है। इसलिए मीरा कहती है दीना दीना बड़ा सबायो पायो जी में राम रतन
बिजनेस ये बिजनेस में जो हुए बिजनेस किए बड़े बड़े नाम जगत में हो गया, जगत में सारा दुनिया में उसकी पूजा हो रही है। भक्ति बिजनेस में कोई फेल नहीं होगा, इसलिए कहते उसको मंथन करो। मंथन मतलब होता है साधन करो, हैं? अगर प्रभु की साधन करोगे तो एक दिन प्रभु का नाम ही सख्यात भगवत दर्शन रूप में दर्शन देंगे। इसलिए मंथन करेंगे, मंथन कर तो क्या होगा, एक तरफ में मक्खन निकलेगा और दूसरे तरफ में छाछ निकलेगा। बोले भैया ये मक्खन क्या है, बोले प्रेम। इसलिए बोले संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन होता है प्रेम। जब हृदय में प्रेम प्रकट होगा ना, जैसे फूल जब खिल जाए, यदि ये फूल भौरा को पास में नहीं, ये भौरा फूल को पास में आता है। ये भौरा कौन, बोले कृष्ण। बोले फूल खिलना मतलब क्या, जब संतों के हृदय में प्रभु का प्रेम प्रकट हो। इसलिए गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाती, कृष्ण गोपियों को घर में आती थी। इसलिए ये मक्खन चोरी का मतलब है, माख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। जब हमारे हृदय में काम क्रोध नष्ट हो जाएगी, जब ठाकुर का प्रति प्रेम प्रकट होगा, भगवान को पास में जरूरत नहीं, भगवान हमारे पास में आए, ठाकुर जी हमारे पास में आए करके हमें ठाकुर जी का दर्शन हमें मिलेगा। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री मखन चोर भगवान की, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो, आज है एकादशी, आप लोगों ने एकादशी व्रत रखे हो? कल तो मैंने बहुत कुछ कथा बताई। कौन कौन ने एकादशी व्रत रखे हैं, हाथ उठाओ तो। कौन कौन ने एकादशी व्रत रखे हैं, कौन कौन रखे हो एकादशी? हाँ कुछ कुछ भक्त। कल तो मैंने बहुत बहुत कुछ मैंने बताया था, एकादशी मतलब क्या है, एकादशी क्यों रखते हैं, एकादशी का क्या तात्पर्य क्या है, मैंने कल मैंने बहुत बहुत बात हमने बताई थी। देखो आज एक छोटी सी आपको स्टोरी में सुना देता हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान देकर सुना। कल मैंने कल बताया था जो एकादशी है ये कल्प तरु व्रत है। ये कौन सा व्रत है, यदि ये कल्प तरु व्रत है। कल्प तरु मतलब होता है एकादशी व्रत करके जो मांगो एकादशी से वही फल मिलता है। इसलिए आज का जो एकादशी है इसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा मतलब होता है आप कोई भी कामना वासना को लेकर के करो, यदि एकादशी का दिन जो तुम्हारी कामना पूरी हो जाती है, इसलिए इसका नाम काम का एकादशी। इसलिए कभी ये 15 दिन में एक बार एकादशी एक बार आती है 15 दिन में। अब कभी आपके पास में एकादशी का पुस्तक होगा तो आप लोग स्वयं ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। 15 दिन में जो एक एकादशी आती है, हर एकादशी का नाम अलग अलग है, एक नहीं है। जैसे सोमवार मंगलवार कोई व्रत रखते हो उसका एक ही फल, दो फल नहीं है। लेकिन जो ये एकादशी है हरिभो, thank you.
कृष्ण, बोले गोविंद जय जय हरे कृष्ण। भगवान जी हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आइए कन्हैया अपनी मैया यशोदा से कह रहा है कि होगी सो देखी जाएगी, पहले तो तू मेरा ब्याह करा दे। तो आइए सभी लोग इस भजन में आनंद ले। राधे का गोरी से विरस की छोड़ी से मैया चल दे Thank you.
अगर अगर कुछ लोग लोग और गोपियां तो सुन रहे हैं और सब ऐसे बैठ गए एक बार हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाकर क्या बोलना है अगली बजा कर बोलना है क्या सब बोलना एकादशी तिथि की जय जय श्री राधे। देखो आज एकादशी तिथि है, अगर कथा को बीच में एकादशी आ जाए तो कथा में चार चांद लग जाती है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में केवल एकादशी का ही कथा इसमें आती है, जिसे एकादशी को श्री अम्बरीश महाराज रखते थे, जिसे एकादशी को ये नंद और जसोदा रखा करते थे। पहले नंद जसोदा घर में कोई इनकी कोई संतान नहीं थी, इन्होंने सारे व्रत सारे तपस्या कर चुके थे। एक दिन में आपस में चर्चा की, हम लोगों ने तो सारे व्रत किया है लेकिन एकादशी के एक एकादशी जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, बोले हमने अभी तक ये पुत्रदा एकादशी हमने नहीं पालन की, हम ये पुत्रदा एकादशी को हम पालन करते हैं। जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत की तब भगवान कृष्ण इसके घर में पुत्र रूप में ठाकुर स्वयं जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए 26 एकादशी में 15 दिन में एक एकादशी आती है, हर एकादशी का अलग अलग नाम है। आज जो एकादशी इसका नाम कामदा, कामदा मतलब सारे कामना वासना को जो प्रदान करती है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से जीव संसार का बंधन से जिनको मुक्ति मिलती है। एक एकादशी का नाम अन्नदा, जिसको करने से घर में खूब अन्न शस्य आता है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, एक एकादशी का नाम इंदिरा, श्री इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिस एकादशी को करने से माँ लक्ष्मी के घर में बड़ी लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए एक एकादशी का नाम विजया, जो एकादशी करने पर हर जगह में तुम्हारी विजय विजय की प्राप्ति होगी, इसलिए एकादशी को बताया गया है ये कल्पतरु व्रत है। सब कुछ इच्छाओं को ये एकादशी पूरी करते हैं। इसलिए कल मैंने बता रहा था जो एकादशी व्रत है, कहते ऐसे कोई पाप से पाप बड़े से बड़े पाप भी ये एकादशी व्रत से नष्ट हो जाता है। इसलिए कल मैंने बताया था जब कोई व्यक्ति शरीर साल साल से बिस्तरा में पड़े हुए किसी तरह से इनके प्राण नहीं जा रहे हैं, बड़े दुख कष्ट भोग करते हैं, आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ भैया इनकी जल्दी से जल्दी इनकी उद्धार कैसे होगा, वो और कोई व्रत का नाम नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके आप इनको फल दे सकते हो। इसलिए बड़े से बड़े पाप एकादशी व्रत करके फल दो तो वो सारे पाप उससे नष्ट हो जाती है।
इसलिए कल मैंने बताया था जो एकादशी है कहते इसमें ये साइंस भी है, एकादशी ये एक साइंस है। किसको किसको याद है वो बोल सकते हो एकादशी में क्या इसमें साइंस क्या है? ये ऋषि मुनियों ने ये एकादशी को उसमें साइंटिफिकल क्या रीजन दिया, किसको याद बोलो तो हाथ उठा, तो बता सकते हो माइक में बताओ तो, कोई माइक है माइक वाले एक्स्ट्रा माइक है जल्दी जल्दी दो। हरे कृष्णा बोला एकादशी व्रत का ये इम्पोर्टेंस है कि जो मून होता है मून का ग्रेविटेशनल मून का पुल होता है जो मून का पुल है जो हम टाइड्स के फॉर्म में देखते हैं हमेशा। हम देखते हैं कि जब भी मून जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लहरें उठती ज़्यादा जोर की हैं तो टाइड्स के फॉर्म में उठती हैं। लेकिन जैसे एकादशी आती है एकादशी से पूर्णिमा के बीच में मून का जो फोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। तो इसलिए हमारी बॉडी में 70% वाटर है तो मून का जो पुल है वो हमारी बॉडी पर भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम कुछ भी अन्न खाते हैं तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, हमारे अंदर पानी की पीने की हमें इच्छा ज़्यादा होती है। तो एकादशी वाले दिन अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो हमें पानी की पीने की इच्छा कम होगी और हमें फल खाएंगे तो हमारी शरीर के लिए भी अच्छा है। इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है क्योंकि एकादशी से पूर्णिमा पे मून का जो पुल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हरे कृष्ण। आप लोग ने समझ गए होंगे देखो इसमें हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे ना जैसे व्यास पराशर वशिष्ठ वाल्मीकि व्यास देव कहते ये लोग बड़े बड़े वो साइंटिस्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। इसलिए इन लोग ने जो जो शास्त्र में विधान दिया है वो सबके साथ वो साइंटिफिकल कुछ रीजन है वो ऐसे नहीं बोलती क्योंकि जो ऋषि मुनि लोग थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। इन लोगों ने प्रभु की भक्ति करते करते इनकी हृदय जब संपूर्ण पवित्र हो गया संपूर्ण निर्मल हो जाता था उसी हृदय में प्रभु जी की लीलाओं को जैसे दर्शन की उन लोगों ने वैसे ही ये लीलाओं को वर्णना की है। इसलिए कभी इनकी साइंस में कभी गलत नहीं हुआ है। जैसे देखो रामायण है भागवत है भगवत गीता है देखना इसमें अभी तक इसका कोई भी एक अक्षर नहीं बदला है अभी तक बदला। गीता का कोई अक्षर बदली है रामायण का कोई अक्षर बदला अभी तक श्रीमद् भागवत वेद का किसने अभी कोई चीज बदलाया नहीं बदला। लेकिन देखना साइंटिस्ट ही लोगों ने पहले पहले जो बड़े न्यूटन हैं आइंस्टाइन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए लेकिन अभी का जो साइंटिस्ट लोग हैं और उनकी साइंस भी बहुत गलत बता रहे हैं। बोले उसने ये गलत बताया ये गलत बताया ये गलत बताया। इसलिए देखना बच्चों का कभी कभी ये पुस्तक बदलती है कभी कभी लेकिन हमारी गीता भागवत कोई बदला नहीं कोई अक्षर नहीं बदला। बोले क्यों? बोले वो ऋषि मुनियों ने पवित्र हृदय में प्रभु का दर्शन करते हुए उन लोगों ने जो कुछ देखा वो निर्मल शुद्ध रूप में देखा। हमारी इंद्रिय में चार ही दोष है कितना दोष है कहते चार। बोले क्या क्या है? पहले भ्रम प्रमाद कर्णापातक और विपलिप्सा। कहते हमारी इंद्रिय में इस चीज को अच्छे तरह से समझ लो ये चार ही दोष है। कहते दोष क्या है? हम कहते हैं ना भैया इन्हीं आँखों से जो देखेंगे वही तो मानेंगे हम देखे बगैर कैसे मान सकते हैं। ये साइंटिस्टों का यही चीज है जो इन्हीं इंद्रियों से इन्हीं आंखों से जो देखेंगे वही मानेंगे। जैसे गर्मी का समय में आप गाड़ी में जा रहे हो आप देखना ज़्यादा गर्मी हो ना देखना बीचू रोड में दूर से लगता है जैसे पानी 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 लगता है
लेकिन जब आप पास में जा करके देखोगे वो पानी है ही नहीं। पर ये आंखों के धोखे हो गए कि नहीं, जैसे कोई फ्यान चलती है, देखना बड़ी तेजी से जब चलती है फ्यान को, देखना फ्यान तो ऐसे चलती है लेकिन उसको लगेगा जैसे ये उल्टा घूम रही है, लगेगा जैसे ये उल्टा घूम रही है लेकिन वो घूम रही है सीधा, लेकिन हमको क्या लगता है जैसे उल्टा घूम रही है। तो ये आंखों में धोखा हुआ कि नहीं, इसलिए रात में जा रहे हो हठात कोई रस्सी पड़ा हुआ, हठात आपको प्यार में लगा तो सांप सांप चिल्ला उठे, लेकिन देखा वो सांप नहीं वो रस्सी है। इसलिए इन्हीं आंखों में हमारी दोष है, एक चीज को देख करके जो दूसरा भ्रम होता है इसको कहते हैं विप्रलिप्सा, करना पाठक को कहते हैं, हमारे इंद्रियों के अंदर में ये दोष है। लेकिन भगवान की भक्ति करते करते जब इनकी हृदय संपूर्ण निर्मल हो जाता है, वो निर्मल हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं, जब वो चीज को वो बताते हैं उसमें कोई भूल नहीं होता है। इसलिए वाल्मीकि व्यास पराशर ये जो बड़े बड़े ऋषि लोग हुए हैं, इसलिए इनकी शास्त्र में बोलने में अभी तक कोई गलती नहीं निकला। इसलिए इन लोगों ने जो एकादशी व्रत की जो बात बताए ये भी साइंस ही है, इसमें कुछ साइंटिफिकल, इसमें कुछ रिजिड ही है। क्यों कहते, अगर ये शरीर सुस्त रहेगा ना तभी तो भजन कर सकते हैं ना, सुस्त नहीं रहेगा तो बीमारी पड़ेगा तो भजन कैसे करोगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो जो बात बताए वो दो दृष्टिकोण से बताए, एक तो शरीर भी सुस्त रहे और उसको साथ साथ में ये आत्मा भी सुस्त रहे, ये दोनों सुस्त रहनी चाहिए, आत्मा भी सुस्त रहे और तुम्हारी शरीर भी सुस्त रहे। अगर केवल शरीर को सुस्त रखोगे फिर काम नहीं चलेगा। जैसे एक पिंजरा है, ध्यान देखो सुनो, जैसे एक पिंजरा है उसके अंदर में एक तोता है, अगर दिन भर अगर ये पिंजरा को ही केवल रंग करते रहोगे लेकिन अंदर में जो तोता बैठा हुआ अगर खाना नहीं खिलाओगे क्या होगा, वो तोता मर जाएगा। उसी तरह केवल ये शरीर को खिलाओ, शरीर को जीव में ले जाओ, शरीर को चवनप्राश खिलाओ, केवल शरीर सेवा करो ना, लेकिन उसके अंदर में जो तोता बैठा है ना वो तोता मर जाएगा, वो तोता मर जाएगी। इसलिए ये शरीर को साथ साथ में वो आत्मा को भी भोजन देना पड़ेगा। ये शरीर का भोजन तो दाल चावल सब्जी, लेकिन ये आत्मा की भोजन किया है कि भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, इसको भी भोजन देना पड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो जो बात बताई वो दो दृष्टिकोण से बताई, शरीर के भी सुस्त रहे और आत्मा भी सुस्त रहे। इसलिए इन लोगों ने बताया, देखो ये शरीर सुस्त रहेगा तभी तो भजन करोगे, अगर शरीर बीमारी पड़ गया तो भजन कैसे करोगे, होगा ही नहीं तुम्हारी। इसलिए इन लोगों ने क्या बोले, 15 दिन में एक बार ये एकादशी व्रत रखो। क्यों, ये एक मशीन है, अगर ये मशीन को कंटिन्यू चलाओगे, जैसे बकरी दिन भर मुंह चलाता है, अगर दिन भर अगर इसे मुंह को चलाते रहोगे ना क्या होगा, एक दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखना कोई भी मशीन हो उसको बीच में रेस्ट दे करके चलानी चाहिए, बीच बीच में उसको विश्राम दे करके चलाओ, अरे वो मशीन ज्यादा दिन तक वो मशीन काम करेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या बोले, भैया 15 दिन में शरीर को तो रेस्ट दे दो, जैसे बच्चा स्कूल जाता है संडे को छुट्टी रहता कि नहीं, क्यों अभी तो सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी रहती है, बोले छुट्टी क्यों देता हूँ उसको, 7 दिन तक पढ़ाओ ना बढ़िया पढ़ेगा, बोले नहीं बढ़िया नहीं पढ़ेगा पागल हो जाएगा। इसलिए कहते संडे को उसको फ्री दो, जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उसमें 7-8 पीरियड है, देखना बीच में एक खलछुट्टी भी होता है, बोले क्यों, खलछुट्टी क्यों होता है, कहते ब्रेन को फ्री मिलनी चाहिए तभी वो बच्चा फिर क्या करता है फिर पढ़ता है। उसी तरह ऋषि मुनियों ने बोले भैया 15 दिन में एक बार ये शरीर को रेस्ट दो, ये एकादशी व्रत 15 दिन में एक बार करो। हाँ देखो ध्यान देख रहे सुनो, प्रश्न यहाँ आता है भैया और भी तो कोई व्रत रख सकते हैं, एकादशी व्रत क्यों रखे, सोम मंगल बुध बृहस्पति और भी तो व्रत है, उसी दिन ये शरीर को क्यों विश्राम नहीं दे, ये 15 दिन में एकादशी को ही क्यों विश्राम दे। इसलिए बताए, कल हम सुन रहे थे आप लोग समुद्र में सुने होंगे एक हाई टाइड होता है, पानी उपरती है और पानी घटती है, बोले कब से लेकर कब तक, बोले एकादश से लेकर पूर्णिमा तक जितना परिमाण में चंद्र बढ़ती है
क्योंकि ये चंद्र पृथ्वी को आकर्षण करती है, ये पृथ्वी भी चंद्र को खींचते हैं, दोनों धनु को खींचती है। लेकिन ये चंद्रमा पृथ्वी तो बहुत बड़ी, उसको तो खींच नहीं सकता, लेकिन उसको प्रभाव तरल वस्तु के ऊपर पड़ता है, पानी के ऊपर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा जितने बैठती जाती है समुद्र के पास में, अब तो हमारे घर समुद्र के पास में, वो पानी इतना उफनती है, उतना बड़ी बड़ी लहरी आती है। और पूर्णिमा का दिन इतनी बड़ी बड़ी लहरियाँ, इतनी बड़ी बड़ी लहरी आती है, पानी उफनती रहती है, बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद में प्रथमा द्वितीय होने पर फिर पानी धीरे 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 घटने लग जाती है। तो उसी तरह हमारा जो शरीर है वो पांच चीज से बनी हुई है। क्या क्या है? मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये पांच चीज से बनी है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या इसमें, ये पानी है, ये 75% इसमें पानी है। इसलिए पानी होने का नाती है चंद्रमा का जो प्रभाव ये पानी को ऊपर पड़ता है। पड़ने पर आप देख लेना, जिनकी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, एकाध किसी का दिन थोड़ी सी ज्यादा दर्द होगा, द्वादशी को ज्यादा, पूर्णिमा को इतना दर्द होगा आप सो भी नहीं सकते हो। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, ध्यान से करके देखना ज्यादा बीमारी लोग कब आते हैं, देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तक। आप किसी शमशान घाट में चले जाओ, आप देखना ज्यादा मरने वाले लोग कब आते हैं, देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा मरने वाले व्यक्ति की। आप देखना ज्यादा खून खराबी जो होता है, मारपीट, आप देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तक। कहते माताओं के अंदर में चिड़चिड़ापन है, देखना ये एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा होता है। आप लोग नजर करके देखना, क्यों? ये चंद्रमा का प्रभाव ये पानी को ऊपर बढ़ता है। इसलिए ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बोले देखो एकादशी का दिन आप लोग थोड़ी सी शरीर को विश्राम दे, विश्राम दे करके उसी दिन अन्न मत खाया करो, हैं, रोटी सब्जी, रोटी और दाल और चावल मत खाया करो। बोले क्यों? बोले वो स्पंज होता है, स्पंज। अब रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी आपको, चावल खाओ थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी, लेकिन फल खाओ पानी नहीं लगेगा, फल खाओ पानी नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम एकादशी का दिन कोशिश करना 12 बजे तक शरीर को विश्राम दो, कुछ मत खाओ। उसको बाद में ऐसे चीज खाओ जो पानी को नहीं मांगता है, पानी को नहीं चाहता है। इसलिए फल फूल आदि के लिए बताया गया। इसलिए एकादशी दिन अर्घ में, बोले बड़े से बड़े पाप एकादशी के दिन अर्घ में रहता है, जैसे गौ हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पितृमय हत्या, कभी अर्घ में इस सारे पाप आश्रय करता है। इसलिए एकादशी का दिन जैसे सोम, मंगल, बुध जैसे व्रत रखते हैं, अगर ये व्रत नहीं रखोगे ना तो कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि एकादशी व्रत नहीं रखोगे दोष लगेगा। एकादशी को कंपलसरी बताया, कहते हर पाप से निष्कृति है, लेकिन एकादशी का दिन अर्घ खाने से कहते इसका कोई निष्कृति नहीं, ये पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए भागवत में, इसलिए ये एकादशी भागवत में अम्बरीश महाराज और कहते ना जो सबसे जो बड़ी एकादशी कौन सा एकादशी है, बोलो कौन सा एकादशी? पांडवा निर्जला। कोई भी कहते हैं ना नहीं एकादशी तो विधवा करती, सधवा नहीं करती। क्या द्रौपदी विधवा थी? ना माँ यशोदा विधवा थी, ना से रुक्मिणी सत्यभामा विधवा, इसको एकादशी व्रत रखते थे। इसलिए रुक्मिणी सत्यभामा को इसलिए कृष्ण मिले, एकादशी भगवान कृष्ण का व्रत है, इन्होंने कृष्ण का व्रत रखे, इसलिए दूसरे जीवन में भगवान कृष्ण उनको पति रूप में मिले। ये रुक्मिणी सत्यभामा को पति रूप में ठाकुर मिले, इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा। इसलिए कल मैं बता रहा था ना, अगर एकादशी का दिन अर्घ खाओगे, खाने पर बीमारी पड़ोगे, फिर क्या लोगे? मेडिसिन, टेरामाइसिन, क्रोसिन, सीन 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 मतलब पाप। बोले क्यों ये बीमारी होता है? बोले पाप से। इसलिए देखो इसका नाम है मेडिसिन, मेड इट सीन, क्रोसिन, टेरामाइसिन, वो सीन 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 मतलब पाप से, ये पाप से सारी बीमारी है। इसलिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा, इसलिए भागवत में बड़ी बड़ी कथा आती है। कहते श्री रुक्मांगद महाराज एक थे जो एकादशी व्रत रखते थे, दुनिया को रखाया करते थे, सारे प्रजाओं को उनका नियम था जो मेरे देश में एकादशी व्रत नहीं रखेगा देश से निकाल दूंगा, इतनी कठोर उनकी थी। एक दिन जंगल में पहुंचे, एक ऋषि ने इनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाई,
बोले महाराज आपको पता है पूर्व जन्म में कौन थे? बोले नहीं। बोले सुनो, बोले पूर्व जन्म में आप एक शूद्र थे, बड़ा दुष्ट थे। आपकी जो पत्नी थी ना कि वैश्या थी, लेकिन वो देखने में बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर थी, शूद्रानी। एक दिन क्या हुआ, आप अपना पत्नी में बहुत ही आसक्त थे। वो खाने पर आप खाते थे, वो जाने पर आप चलते थे, वो बैठने पर आप बैठते थे। एक दिन क्या हुआ, आप दोनों को पता नहीं था आज एकादशी पर, और उसी दिन उसको बड़ी तेज बुखार आ रहा, लेकिन वो बुखार उतरी नहीं, वो बुखार बढ़ते रहे। आप भी बहुत प्रेम करते थे उसको, आप भी उसको दुख में बहुत दुखी हो गए, और वो बुखार कमाल ही घटते बढ़ते बढ़ते गई, वो छटपट करते करते रही दिन भर। आप भी दुखी हुए, और दूसरे दिन लास्ट दिन में वो शरीर छोड़े। आप भी उसके दुखी में दुखी होकर के भोजन नहीं किए। आप दोनों का निर्जला एकादशी हो गई, और एक निर्जला एकादशी में ये फल मिला, अभी देश का आप ही राजा, आपकी जो रानी है वही शूद्रानी वैसे है, आपकी रानी बनकर गया है। महाराज एक एकादशी का इतने महत्व, इसलिए आप संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत दूसरों को कराते हो, राजा का तो और भी ज्यादा निष्ठा हो गई एकादशी व्रत में। इसलिए आप लोग कोशिश करना एकादशी व्रत को जरूर रखने के लिए, कोई व्रत मत रखो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, एकादशी व्रत मांगे बिहार का व्रत है, ये राधा रानी की व्रत है, और जो दूसरे दूसरे व्रत हैं दूसरे दूसरे देवा देवियों का व्रत है। अभी तो 33 करोड़ देवा देवी, अब कितने को आप खुश करोगे? अगर भगवान खुश हो गए ना, कृष्ण खुश हो गए, ये 33 करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाते हैं, ये सारे देवता। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, क्योंकि भागवत में ये एकादशी की व्रत की कथा आती है। और देखो एकादशी कब रखनी चाहिए, दो एकादशी आती है, इसलिए सुन लो, कभी कभी एक दशमी युक्त एक एकादशी आती है, और कभी कभी देखना एक द्वादशी युक्त एक एकादशी आती है। जो दशमी युक्त जो एकादशी अगर आए उसको नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ दोष है। लेकिन जो द्वादशी युक्त जो एकादशी है ये बड़ा महत्व है, अगर द्वादश में एकादशी मिल जाए इससे ज्यादा महत्व द्वादश युक्त एकादशी। अगर दो एकादशी आ जाए, कोशिश करना दूसरे दिन का जो एकादशी है उसको रखने के लिए, पहला दिन का जो एकादशी उसको नहीं रखे। अगर जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखना चाहोगे, कल आपको मैं एक एक पुस्तक दूंगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ कौन सा दिन एकादशी है, दूसरे दिन कब व्रत को खोलोगे, किस समय उसका व्रत भी खोलनी चाहिए, समय दिया होता है, इसकी अंदर में ये व्रत को खोलो, फिर एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी व्रत रखोगे, कल मेरे पास में आना, आपको मैं एक एक छोटी छोटी पुस्तक दूंगा, उसमें एकादशी कब कब कैसे करना और दूसरे दिन कैसे खुलना, उसमें सारी चीज लिखी हुई, ठीक है ना। इसलिए आज जो एकादशी भागवत कथा में एकादशी बड़ा भाग्य से आता है, क्योंकि भागवत में एकादशी कथा है, और आज जो एकादशी है ना इसका नाम है कामदा। कामदा मतलब क्या, सारी कामना को जो पूरी करते हैं, काम को जो दान करते हैं। इसलिए आज बहुत अच्छा दिन है। बोले श्री एकादशी व्रत की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो, आज अभी राधा रानी जन्म लेने वाली है, आपको अभी श्री राधा रानी जन्म लेगी, और जो कल है कथा का विश्राम का दिन है, कथा कभी समाप्त नहीं होता है। क्यों, कितना हरि अनंत हरि कथा अनंत, कभी भागवत समाप्त नहीं होता। कल लास्ट विश्राम का दिन है, कल की जो कथा सबसे ज्यादा महत्व है, कल की कथा जो सुन ले, जो बीच में आए लास्ट में आए सुन नहीं पाए, लेकिन कल की जो कथा इतने महत्व, अगर कल की कथा कोई सुन ले उसको 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगा। कल हमें एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, वो स्टोरी को अंदर में ये पूरी भागवत कथा के सार है। जब ये भागवत कथा समाप्त हो गई, श्री परीक्षित महाराज की जो माँ गोतरा वहीं बैठी हुई थी, एक बेटा ना अब अभिशाप लगा है 7 दिन में मरने वाला, तक्षक दंशन करके माँ भी बैठी हुई थी। जब ये कथा समाप्त हो गया
माँ ने बेटे से प्रश्न करते, बोले बेटा परिधि, ये सुखदेव गोस्वामी ये सात सात दिन तक कथा सुनाए हुए स्त्री जाति, मेरे पहले में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या बोल रहे थे, अभी मेरे लायक कुछ कथा सुना दो, कम से कम मेरे को पता चले ये क्या बताना चाह रहे थे। तब उन्होंने थोड़ी सी समय में ये पूरी भागवत का सार सुनाया, इसलिए वो कथा का नाम है बृहत भागवतामृत। भागवत तो बृहत है, बड़ा है, लेकिन उसका जो सार है उन्होंने सुना है थोड़ी समय में। कल हम वो कथा को सुनेंगे, उसको सुनने से जो सुने नहीं सुन पाए, लेकिन कल की कथा जरूर मन लगा करके सुनना, उससे पूरी कथा सुनने का फल मिलेगा। और हम पहले सुने थे ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है आप जो कुछ मांगोगे भागवत से, सब कुछ ये भागवत से ही मिलता है, इसलिए इसको कल्प वृक्ष बताया। इसलिए कल जो कथा सुनोगे आप जो कुछ भागवत से, ये पद्म पुराण में बताया, जो दुखी उसके सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करती है, जो संतान ही उसको संतान प्रदान करते हैं, जो मोक्ष कामी उसको मोक्ष देते हैं, जो भक्ति कामी उसके भक्ति देते हैं, और जो सब चाहते हैं उसको सब देते हैं, इसलिए उसको कल्प वृक्ष भागवत को बताया। इसलिए कल जो नहीं आ पाए वह आ पाए आधा बीच में, कल जरूर कथा में आना और कथा को कल श्रवण करोगे, फिर उसके बाद में प्रसाद देना क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, कल कथा के बाद में सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, और परसों कहीं हमारी और कोई कथा है, इसलिए परसों हम सवेरे सवेरे एकदम 7 बजे हम यज्ञ करेंगे, क्योंकि जो यज्ञ ये वैष्णव होम, ये साधारण होम नहीं है, जैसे किसको पर काल सर्प का जोग है, कोई शनि ग्रह की उल्टा पुल्टा कोई ग्रह देखना, कभी कभी जीवन में शांति सुख नहीं मिलता है, अगर उसमें कोई आहुति डाले ना तो सारे ग्रह खत्म हो जाता है, क्योंकि जो यज्ञ है वो नरसिंह भगवान, जैसे प्रहलाद के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन नरसिंह भगवान को हर विपत्तियों से भगवान को रक्षा किया, इसलिए वो जो यज्ञ नरसिंह मंत्र से हम यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ में जो आहुति देते हैं जीवन में जितने तुम्हारी बाधा विपत्ति दुख कष्ट है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा ग्रह का जो पीड़ा दोष सब खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर परसों हमारी और कई कथा है, इसलिए हम यज्ञ करते हुए हम 10 यहाँ से 9 बजे हमको जाना पड़ेगा, क्यों, वो जो 10 बजे वहाँ कथा है, और जहाँ कथा होगी 10 बजे वहाँ पर थोड़ा कलश यात्रा, और वहाँ पर कहीं शादी शाम को, इसलिए वो चाहते हैं सवेरे कथा हो जाए, इसलिए ये भी एक थोड़ा गड़बड़ी है, इसलिए हम सवेरे सवेरे करेंगे। जो आना चाहते हैं आप लोग आ करके परसों यज्ञ में अब आहुति दे सकते हैं, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। जो लोग कलश लाए थे हम लोग, क्या करना, हम लोग सवेरे आ करके कलश को सवेरे सवेरे कलश को ले जाना, ठीक है। हरे कृष्ण, हरी बोल। देखो अभी आपको एक मैं छोटी स्टोरी सुनाऊंगा, ये छोटी स्टोरी सुनने का बाद फिर हम लोग फिर राधा रानी की जन्म की कथा सुनेंगे, इसलिए अभी आप लोग ध्यान देकर सुनो। अभी जो हमें एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा, ये स्टोरी सुनाने का बाद आपको मैं 2 बार फिर प्रश्न करूंगा, मैं देखूंगा ये स्टोरी को मेरे को कौन बोल पाएगा, जो बोल देगा ना उसको बढ़िया मैं इनाम दूंगा, जो ये स्टोरी को सुन करके ये स्टोरी मेरे को सुना देगा। अब देखिए जो छोटी सी स्टोरी है ना, जैसे 7 दिन तक हमने कथा सुन, अभी कथा से तो कुछ लेनी चाहिए ना, कि नहीं कथा खत्म हम भी खत्म नहीं, यहाँ से कुछ सार चीज लेकर के जानी चाहिए। अभी जो स्टोरी सुनाऊंगा समझो ये कथा की पूरी सारांश है, अगर ये कथा के रहस्य को समझ गए समझना, ये पूरी भागवत सुनना उनकी सार्थक हो, ठीक है। अभी ध्यान देकर सुनो, मैं देखूंगा कौन लास्ट में मेरे को बोल पाता है, ठीक है, मन लगा कर सुनो। मतलब देखो कोई एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी, कितना रानियां थी, 4।
जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे दे करके उसको खुश करता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, ये चार रानियों में देखने में ये सबसे सुंदर थी। इसलिए राजा जब नगर घूमने जाते थे, ये रानी को सुंदर करके श्रृंगार करके रथ में बैठा लेते थे और दुनिया को दिखाया करते थे, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी कितने सुंदरी है। कहते राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी मीठी मीठी बात को बना बना करके बोलती थी। इसलिए राजा जब महल में आते थे, वो तीसरी नंबर रानी को पास में बैठते थे, वो जो मीठा मीठा बोली बना बना करके बोलती थी, सुन सुनकर राजा बड़े खुश होते थे। लेकिन ये मन की बात और किसी को नहीं, वो मन की बात केवल तीसरी रानी को बोलती थी। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, ये तो बड़ी प्यारी सबसे छोटी रानी, लेकिन उसकी दुर्भाग्य है, जब से राजा उसको शादी करके लाए, कभी उससे पूछा भी नहीं तेरे पास में तेल साबुन साड़ी है कि नहीं, कभी उसको पूछते भी नहीं, उसको बोलते थे बेकार किसी काम की नहीं, पूरा नेगलेक्ट करके उसको रखे थे। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा का अंतिम समय आया, मरने का समय आया, राजा देखा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन रानी कहाँ तक मेरे साथ चलती। सबसे बड़ी रानी की नंबर आया, बताओ तो बड़ी रानी कौन थी? बड़ी रानी कौन थी? इतना जल्दी भूल जाओगे तो फिर कथा कैसे याद रहेगी? जोर से बोला, बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था और जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर इसको खुश रखता था। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछा, रानी तू शरीर मेरे साथ में चलोगी, जिंदगी भर तेरी सेवा की। लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाले हो गई थी, बोले तेरे साथ में एक कदम भी चलूंगी नहीं। बोले क्यों? बोले तेरे लिए जो जिंदगी भर सेवा की, बोले ये तेरी कर्तव्य था, बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी बढ़ती नहीं। राजा तो दुखी दुखी हो गए, बोले सबसे बड़ी रानी तो सबसे ज्यादा धोखे दी गई। अब उसने दूसरी रानी से पूछे, दूसरी रानी कौन थी? सबसे सुंदर, सबसे सुंदर थी। राजा जिसको दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी मेरी कितनी अच्छी कितनी प्यारी, बोले तू साथ में चलोगी? वो उसको ऊपर दो अंगुल ऊपर गई, बोले मैं चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तुम मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितनी सुंदर, बोले है तू तो बड़ी प्यारी, बोले जहां जाओगे मेरे को वही पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा को और दुख मिला। अभी उन्होंने तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन? जो मीठा मीठा बोलता था, हाँ जिनकी मीठा मीठा सुनकर बड़े खुश होता था, मन की बात जिसको बोलता था, बोले तू साथ में चलोगी मेरी साथ में? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन इस दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार ही कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकती। बोले ये कोई चलना चलना थोड़ी कहते हैं, जो दरवाजा तक चलना, भैया तू भी किसी काम की नहीं, बगा रहे। अभी उन्होंने चौथी रानी से पूछा, चौथी रानी कौन था? जिसको वो प्यार नहीं करता था, ये बच्चे को सब याद है, इसलिए जिसको वो प्यार नहीं करता था जीवन में, जिसको सबसे ज्यादा निगले निगले रखा, ये बेकार किसी काम की नहीं। लेकिन जब उससे पूछा, पहले तो सोचा इसको पूछू कि नहीं पूछू, क्योंकि जिसके लिए करोगे उसके लिए पूछ सकते हो, अब जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे। उसने सोचा एक बार तब भी उसको पूछ करके देख लेता हूँ वो चलेगी कि नहीं। बोले रानी तू साथ में चलोगी? लेकिन चौथी रानी बड़ी अच्छी निकली, बोले महाराज भले ही आप मेरे जीवन में नेगलेक्ट किए हो, लेकिन दिन से मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, आपके साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बनूंगी, बिना खाए पिए तुम्हें मैं खिलाऊंगी सेवा करूंगी। राजा तो बड़े आश्चर्य हुए, भैया जिनके लिए जिंदगी किया वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और जिनके लिए कुछ नहीं किया वही तैयारी। हाँ देखो ये जो कथा है ना, ये हमारी जीवन की सच कथा है, ये सच्चाई है। अब इसकी तात्पर्य को समझो,
और कोशिश करो अपना जीवन में उतारने के लिए। देखो अगर इतनी सी बात अगर जीवन में आज समझ गई, समझना भागवत तो सुनना आपका सार्थक हो, भागवत कथा सुनना आपकी सार्थक कथा हो गया। समझो सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जीवन में सबसे ज्यादा जिसको प्रेम करते हैं, वो जिस समय जिस चीज की मांग करती है, भले ही हमें झूठ बेईमानी क्यों नहीं करना पड़ जाए, देखना उसकी इच्छा हम जरूर पूरी करते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा उससे पूछेंगे भैया साथ में चलोगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे हमें नहीं देंगे, बोले तेरे साथ मैं कदम भी नहीं चलूंगी। कहते भैया ये कौन है अभी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको करते हैं आप लोग बताओ तो पीछे जो बैठे हैं कौन बोलेगा, हाथ उठा कर बोलो। और कौन बोलेगा किसको प्रेम करते बोलो, कोई बोलेगा मैं बीबी को प्रेम करता हूँ, कोई बोलेगा पति को, कोई बोलेगा बच्चों को, बोले नहीं। देखो शास्त्र कहता है ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये जगत में केवल स्वार्थ है। जो प्रेम थोड़ी दिखता है ना, चुपके आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए ऊपर ऊपर से प्रेम दिखता है, लेकिन वो मिलना बंद कर दो देखना उसी समय में बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किए, भले ही किसके लिए जिंदगी भर करो, थोड़ी सी कोई भूल चुक हो गई वो बोलेगा मेरे लिए तुमने क्या किया, एकदम झट आता है। इसलिए जगत में प्रेम नहीं है। तो फिर प्रश्न, फिर हम प्रेम किसको करते हैं, बोले अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर जो मांगता है, बोले चबन प्रास खाओगे बोले खिलाएगा, बोले गोलगप्पे खाओगे बोले खिलाएगा, बोले ब्यूटी पार्लर में चलोगे बोले चलो सजा करके लाएंगे, बोले जिम में जाओगे बोले जिम में ले कर जाते हैं, बोले घूमने जाओगे बोले घुमाएंगे, बोले पराठा खाने जाओगे दुकान में चलो तेरे को पराठा खिलाने के लिए दे जाए। इसलिए देखना ये शरीर हमें जिस समय में जो चीज की मांग करती है ना, हम ये शरीर को वही देते हैं। अंतिम समय आया शरीर से पूछे भैया साथ में चलोगे, कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। शरीर से जब ये परमात्मा चली जाए, जिस शरीर को हम इतने प्रेम करते हैं, वो शरीर कहीं कहीं पड़ी रह जाएगी, वो साथ नहीं है। अभी दूसरे जो सबसे सुंदरी थी, बोले सबसे सुंदरी कौन है, कितना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदरी, क्योंकि पैसा होगा खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, आपको पता होगा पैसा कमाना कितना कठिन है, ये सबसे सुंदरी है। उससे पूछे साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या, आज पैसा हमारे पास में, शरीर छूटते ही वो झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए बच्चों का नजर कहाँ रहता है, पिताजी की कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कौन सा एटीएम कार्ड में, कौन सा बैंक में कितने पैसा, उनका नजर पहले वहीं पर रहती है। इसलिए ये शरीर छूटते ही वो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। वो कहती भैया दूसरे तो मैं शादी कर लूंगी, तेरे साथ में नहीं जाऊंगी, मतलब जहाँ जाएगा वो इसको भोग करेगा, वो चली गई हमारे साथ से। अभी तीसरे नंबर आई, राजा जिसका मीठा मीठा बात सुनता था, मन की बात बोलता था, बोले ये कौन, बोले ये परिवार वाले हैं जिनको पास में बैठ करके दुख सुख संसार की दुख सुख की बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे नहीं चल सकती। परिवार वाले से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए अर्थी से जाएंगे और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ, बोले शमशान तक ले जाएंगे, बोले आगे और नहीं जा सकते, वहीं से वापस आ जाएंगे, ये लोग यहीं पर चले गए। अभी चौथी नंबर, इसको चीज को ध्यान करके सुनो, जो हमारी काम की बात है, जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे, कभी उससे पूछे नहीं, कभी उसको एक बार देखे भी नहीं, लेकिन अंतिम समय में जब उसको पूछे वही साथ में जाने के लिए राजी होती है। कहते भैया चौदह नंबर पत्नी कौन है, जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा जीवन में उसको नेग्लेक्ट करके रखते हैं। कहते ये भगवान की भक्ति है और ये भगवान के नाम है, ठाकुर जी की नाम है और भगवान की भक्ति है। अगर किसको बोलेंगे, बोले भैया भगवान का थोड़ा हरिनाम करो, भगवान को थोड़ा माला जप करो, क्या बोलेंगे,
अरे सब बेकार काम है, ये सब बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब बैठ करके हरे कृष्ण करते हैं। कोई काम धाम जो जिसका नहीं, हमारा तो काम है ना, टीवी देखेंगे, घूमेंगे, गप्पे मारेंगे, हमारे बहुत सारे काम, ये भजन भजन हरे कृष्ण कर लेंगे हमारा समय नहीं, उसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट करके रखे। लेकिन जब अंतिम समय आया, शरीर छोड़ा, लोग क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, बोला अंतिम समय में क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बाजूता है, यही बोलते बोलते ले जाते। बोले बेटा, जितने ठाकुर का नाम जब किया वही तेरे साथ जा रही, और जो कुछ और किया यही सब छोड़ करके जा रहे हो, एक सुई धागा भी साथ में नहीं जाती है। इसलिए पीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतना धन पायो, पायो जी मैंने राम रतना धन पायो, आपस्तो अपाला दीने सदा गुरो, आपस्तो अपाला कहती है, चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन भरत सब आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये कोई इसको लूट नहीं सकते, जो लूटेगा केवल वही धनी बनेगा। अगर किसी व्यक्ति को बोले भैया थोड़ा हरि नाम करो, बोले समय कहाँ है, अभी बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाओ ना, बच्चे के लिए थोड़ा पैसा रख करके जाओ। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, बोले भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा करके मत रखो, बोले क्यों, बच्चा हो ना हर होगा तो कमा ही लेगा, अगर ज्यादा पैसा कमा करके जाओगे ना, जुआ खेल करके, शराब पी करके, मांस खा करके, सारे को सारे बदवार करता है, किसका बच्चे ज्यादा बर्बाद होते हैं, जो जितनी ज्यादा पैसा कमा करके गए उसका बच्चा उतना ही बर्बाद होता है। क्यों, पिता कितना कष्ट करके कमाएगा दूसरे को पता ही नहीं, दिन रात बराबर करके उसको तो ऊपर ऊपर मिल गया, फिर क्या करेगा, सारे उल्टा सीधा काम में लगा देता है। नहीं, ऐसे धन कमाओ जो धन इसी समय में भी, इसी जीवन में भी काम आएगा और दूसरे जीवन में काम ही काम आएगा। इसलिए मीरा की दूसरे भजन है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए पैसा कमाओ अच्छी बात है, लेकिन भगवान के नाम रूपी धन भी कमाओ। इसलिए मीरा कहती है, चोर नहीं लगे लूटे नहीं जावे, और दीन दीन बढ़त सवाए, जो धन केवल बढ़ती रहती है, जो धन कभी घटेगी नहीं। इसलिए पहले मैंने बताया था ना, श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने जब निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, बोले भैया सबके घर में हम खाना नहीं खाते हैं। बोले किसको घर में खाओगे, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब है जिसको पास में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। उसी समय महाप्रभु के भक्त बोले, प्रभु हमारे घर में 100 रुपया कभी भी नहीं है, आप कहते हो जो लखपति बनेगा खाना खाओगे, फिर हमारे घर में खाना नहीं खाओगे। तो महाप्रभु बैठा करके समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं वही असली लखपति। कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना, अमिताभ बच्चन बोलता था करोड़पति कौन, कौन करोड़पति बनेगा, बोलते ना करोड़पति कौन बनेगा, आप मेरे तरफ में देखो, आप लखपति कैसे बनोगे, भगवान कहते हैं। देखो ये 108 इसमें मोती है, जैसे ये माला जब जप करते हैं ये अंगुल को हम बाहर निकाल करके, क्यों, ये गंदा अंगुल कहते ना, हम तुमको ठीक कर देंगे, ये सबसे पहले निकलता, ये अहंकार का प्रतीक, इसलिए इसको हम बाहर निकालते हैं।
और ये बीज वाले अंगुलों के ऊपर भी ये माला रखते हैं। माला रख करके जैसे हरे कृष्ण, आप सब मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोल करके उसमें एक मोती सरकाते हैं, दो बार बोल करे दो मोती, देखो एक लाख कैसे होता है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया एक बार। इसमें 108 मोती हैं। जब ये यहाँ पर समाप्त हो जाए, ये अंगुल को पार नहीं कराते, क्यों? ये राधा कृष्ण का रूप है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपियाँ हैं, ललिता विशाखा चंपक लता, मानो राधा कृष्ण को बीच में रख करके रावस कर गए। ये माला रूप में ये ठाकुर जी है, इसलिए यहाँ पर आकर उसको पार नहीं करके उसको ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके दूसरे तरफ से करते हैं। अगर ऐसे 16 माला अगर कोई कर लिया ना, वो हो गया 25,000। अगर किसने 64 माला कर ली, ठाकुर स्वयं कहते हैं 1,00,000 हो गया, तुम्हारी बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गया। ये भगवान खुद कहते हैं, भैया इसका ब्याज कितने मिलेगी? बोले दीन बड़ा सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 दिया ना, कल आपको 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000। अरे ये धान इतने जल्दी जल्दी बढ़ती है, इतने जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ठीक है ना? आप लोग अभी बताओ, ये 4 रानियों में सबसे ज्यादा कौन सा रानी को प्यार करोगे? बोला आप लोग, ये 4 रानियों में सबसे ज्यादा कौन सा रानी को प्रेम करोगे? आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हो, इतने कथा से हाँ फोर फरारी को। भैया बहुत अच्छी बात बताए, मतलब ये समझ गए, ठीक है ना? इसलिए सवेरे उठ करके भगवान की कम से कम कुछ माला करो, ठाकुर का मंदिर में बैठो, बैठ करके थोड़ी समय भगवान को दो। इसलिए ये गोस्वामी श्री सूरदास जी कहते, ये सूरदास का पद है, कहते जिनी तनु दही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलकान। ये सूरदास का पद है, जिसने तुम्हें ये जीवन दिया, दुकान मकान घर सब दिया, तो उसको ही भूल कर बैठ गया। इसलिए कहते कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलकानी, ये सूरदास का पद है। इसलिए भगवान हमें सब कुछ दिया, इसलिए उनके लिए भी समय देनी चाहिए, ठीक है ना? कौन कौन समय देगा? सवेरे अब देखना, जितने समय प्रभु का नाम जप करोगे ना, मन को कितने शांति मिलता है, अब स्वयं देखोगे कितने शांति मन को मिलेगा है? और प्रभु का नाम लेकर कोई भी काम करना ना, देखना मिट्टी में भी हाथ लगा वो सोने बन जाएंगे, क्यों? भगवान की तुम नाम लेकर के जा रहे हो। कहते मंगल भवन है अमंगल हरि, स्वयं देख लेना। भगवान कहते एक कदम बढ़ाओ, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन एक कदम ठाकुर को तरफ बढ़ा करके देखो तो सही, ठाकुर कैसे 10 कदम तुम्हारा लिए भी ठाकुर बढ़ाएंगे, ठीक है? देखो अभी तो राधा रानी जन्म लेगी, लेकिन उसको पहले एक माला जप करेंगे, ठीक है ना? 5 मिनट लगेगा एक माला जप करने के लिए, इसको बाद में फिर राधा रानी जन्म लेगी, फिर आप लोग को प्रसाद लेकर जाना, दे दो भैया, ये माला बांट दो, तो ये माला मेरे को वापस दे देना, कोई लेना नहीं। अगर जिसको इच्छा होगा हम जप करके, मैं कल आपको दूंगा माला, उसको ले ले दो, उसको बांट दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे Yeah.
और देखो सबके सब जरूर बोलेना क्यों, जैसे हम समझो यहाँ पर 100 या 125 लोग बैठे हुए, जब हम जोर से बोलेंगे सभी का आवाज सभी को कान में जाएगा, लेकिन माला तो एक करेंगे लेकिन कितना माला करने का फल मिलेगा, जितने लोग बैठे हुए ठीक सभी का आवाज सभी के कान में जाएगा, अगर 100 भक्त बैठे ना 100 माला करने का फल मिलेगा, मतलब है आज आपको बैंक में समझो 2 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, ये 2 लाख ये भगवान स्वयं कहते हैं, ऊपर जब जाओगे ना जब कापी खुलेगा देखोगे आप श्री नरेश प्रभु जी घर में बैठी करके इतने माला जब किया था देखना पूरा पूरा निकलेगा, इसलिए भारत में देखना मरते समय यही बोलते हैं राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, अरे यही चीज पूरा के पूरा आपको मिलेगा पूरा पूरा ब्याज समेत, इसलिए सबके सब आंख बंद करके बैठो समझो वृंदावन में बांके बिहार जी की चरण में हम बैठे हैं, और सबके सब नाम लेगा क्योंकि जो नाम लेगा उसका सारे पाप उड़ जाएंगे, लेकिन ये बैठेगा कहाँ पर जो नहीं करेगा उसको ऊपर में सारे पाप जाकर बैठ जाएंगे, इसलिए सबके सब मेरे साथ में जप करो और ऐसे करो थोड़ी सी मुंह खोल करके मुंह बंद करके नहीं ठीक है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, उसमें एक मोती सर के लिए बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, माला पूरी होगी ना, हाँ सबके सब माला वापस दे दो, अगर किसकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, अगर कल सवेरे 7-8-9 बजे आओगे तो अब हम माला दे सकते हैं, कुछ बता करके अब तो माला दूंगा, अगर जिनकी इच्छा होगी कल सवेरे अब आ करके माला ले सकते हो, सबके सब माला वापस ले आओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की, जय जय श्री राम कृष्ण। किसको बनाया बनाया ना, अब तो पिता माता कौन बने, कौन बने, ठीक है दादा दादी, ठीक है अब उनको जाओ तैयारी करके ले आओ, ठीक है तैयारी है ना, ठीक है। अभी श्री राधा रानी जन्म लगी और श्री राधा रानी और उनको पिता माता वृषभ महाराज कृतिका सुंदरिया भी आएगी, बड़े सुंदर झांकी है। बोले श्रीमती राधा रानी की। हाँ देखो कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, जैसे आप वृंदावन जाओ ना, आप देखना वहां पर कृष्ण कृष्ण किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। आप वृंदावन में किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से बोलते, भैया आप तो बड़े राधे राधे बोलते हो लेकिन ये भागवत ग्रंथ में राधा जी का फिर नाम क्यों नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भागवत पढ़ोगे ना कहीं भी राधा जी का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोले भैया क्यों राधा जी का नाम है नहीं क्यों, लेकिन श्री महाप्रभु हमारे महाप्रभु का संप्रदाय में कहते भैया भागवत में तो राधा जी को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, वृंदावन तो भागवत में तो केवल राधा ही राधा है। बोले कैसे, बोले ये ग्रंथ का नाम क्या है बताओ, जो ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं इसका नाम क्या है, क्या है, भागवत नहीं, इसका नाम श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् का मतलब क्या, बोले श्री श्री मतलब होता है लक्ष्मी और मूल लक्ष्मी कौन, बोले श्री राधा रानी, मद् मतलब प्रेम, जैसे कोई
मत, और शराब पीकर मत वाला हो जाती है ना, कहती ये भागवत नहीं, बोले ये राधा रानी की प्रेम है, श्री मत राधा जी की ये प्रेम है, हम भागवत नहीं सुन रहे हैं। राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर के जब कृष्ण प्रेम को वितरण करती हैं, ये श्रीमद् भागवत। एक उदाहरण दिया, कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाता है, हीरे जवाहरात रुपया खूब कमाता है, लेकिन सेठ पैसा किसको देती है, देता है सेठानी को। वो सेठानी लाख लाख रुपया की गड्डी को गड्डी बना बना करके और हीरे जवाहरात को आलमीरा में सजा सजा कर रखती थी। एक दिन वो सेठानी वो दीवानी पागलिनी हो गई, वो जितना लाख लाख रुपया सोना चांदी लेकर के छत के ऊपर गई और उसने लुटाना शुरू की, और जितने दुखी दरिद्र थे उठाया सोने चांदी हीरे जवाहरात और माला माला हो गई। बोले भैया सेठ कौन है जो पैसा कमाने वाले, बोले बांके बिहारी यही सेठ है। बोले भैया सेठानी कौन है, बोले श्री राधा रानी। सेठ तो पैसा कमाता है लेकिन किसको पास में जमा करता है, सेठानी को पास में, राधा रानी सेठानी अपना भक्ति किसको पास में, राधा जी को पास में। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन गई, पागलिनी बनी और छत को भर में गई और प्रेम को उसने लुटाना शुरू की, और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो दरिद्र है, कृष्ण प्रेम के जो भिखारी है, और उसको उठाया और सबके सब माला माला हो गए। इसलिए कहते भैया श्रीमद नहीं, ये भागवत नहीं, ये राधा रानी कृष्ण प्रेम में, ये हम कथा नहीं सुन रहे हैं, ये राधा रानी कृष्ण प्रेम को बिला रही है, और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम को जो भिखारी, कथा नहीं कृष्ण प्रेम को हम लूट रहे हैं। अभी प्रश्न है, अरे भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट क्यों नहीं दिया, इसका तीन चार कारण बताया, मैं आज बताऊंगा कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा कौन कौन बोला। कहते भागवत का जो सबसे पहला टीकाकार हुए बहुत बड़े संत, उसका नाम श्रीधर स्वामी, सबसे पहले टीका लिखे। वो कहते हैं ये जो सुख है सुखदेव गोस्वामी, ये राधा रानी की पालता सुख है, ये प्रिय सुख है। तो ये जब एक बार से राधा जी का नाम लेते, राधा कौन है, कृष्ण राधा शब्द को उल्टा दो, बताओ क्या होगा, राधा शब्द को उल्टा हो क्या होगा, कहते ये राधा नहीं ये कृष्ण प्रेम रस की धारा है राधा रानी। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री किशोर जी की नाम लेते थे, वो छह महीना बेहोश हो जाते थे प्रेम में। उन्होंने देखा भैया मेरे पास में कुल सात दिन में कथा सुनाना, अगर छह महीना बेहोश हो गया फिर ये कथा को कैसे पूरी करूंगा, इसलिए राधा जी का नाम नहीं लिया, ये एक पहला कारण। दूसरा कारण है, आप लोग मेहंदी लगाते हो, कौन कौन मेहंदी लगाते हो, सब लगाते हो, आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो, मेहंदी आप लोग तो पाउडर को लेकर लगा देते हो, आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो, कौन कौन देखे हो मेहंदी पत्ते, आप बताओ मेहंदी पत्ते का रंग कैसे है, हरा, लेकिन वो क्या हरा है, फिर वो क्या है, बोलो क्या है, लाल, लेकिन ऊपर से क्या दिखती है, हरा, उसको पीसो देखते तभी वो हरा दिखेगा, लेकिन जब हाथ में लगा दो पैर में फिर कौन सा रंग हो जाता है, लाल। उसी तरह ऊपर से देखो ये भागवत में केवल कृष्ण 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 हरा ही हरा दिखेगा, लेकिन उसका अंदर में झांक करके देखो ना, वो हरा नहीं अंदर में लाल लाल, मतलब राधा राधा। इसलिए राधा रानी कौन, कृष्ण की आत्मा है, इसलिए ऊपर में तो कृष्ण कृष्ण लेकिन अंदर में राधे राधे, लेकिन निकलेगा कैसे, बोले उसको पीसो, बोले पीसना मतलब क्या, बोले साधन करो, साधन करोगे ना फिर भागवत में तुम्हें कृष्ण कृष्ण नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा तुम्हें, क्या दिखेगा, राधा ही राधा ही राधा। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण बताए, जैसे भागवत में देखना कृष्ण कृष्ण केवल कृष्ण कृष्ण कथा सुनोगे, इसलिए केवल कृष्ण कृष्ण। उदाहरण दिया, जो कृष्ण भक्ति है एक बहता हुआ नदी है, कहते नदी का माने सब पी सकते हैं, एक चिड़िया एक जानवर एक इंसान सब पी सकते हैं, लेकिन अगर कुएं में पानी हो ना, कुएं का पानी सब नहीं पी सकते, कौन पिएगा, जिसको पास में रस्सी कोई पात्र हो वही व्यक्ति पी सकता, लेकिन जो नदी का पानी देखना, कोई स्नान कर रहे कोई कपड़ा धो रहे जानवर खा रहे हैं, इसलिए देखना वो पानी इतना पवित्र नहीं,
लेकिन जो कुएं का पानी देखोगे ना, एकदम मीठा पवित्र, उसमें कोई मिलावट नहीं, ठंडा पानी है। कहते जो कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, लेकिन जो राधा जी की जो भक्ति है ये दुर्लभ भक्ति है। इसलिए जगत में कुछ लोग है जो केवल कृष्ण 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 भक्ति करते, बोले नहीं भैया, कृष्ण को जो अकेले पूजा करते वो अज्ञानी है। कहते राधा अनादर करावे अभिमानी, जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो। भैया कृष्ण टेढ़े टांग वाले, वो तीन जगह में टेढ़े हैं, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की, और हमारी जो किशोरी ना बड़ी सीधी जाती है। इसलिए वृंदावन में इसलिए कोई जाकर कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सबके सब श्री राधा राधे बोलते हैं। क्यों बोले, राधा जी की कृपा से बिहारी जी मिलते हैं। राधा जी की कृपा नहीं हो ना, बिहारी बिहारी बोलने पर बिहारी नहीं आएंगे। इसलिए कहते ना, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ही कृष्ण मिलेंगे। इसलिए अकेला कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, हैं? राधा जी को साथ में कृष्ण पूजा करो, तभी वो पूर्ण, नहीं तो पूर्ण नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम कण में राधा जी का नाम है, लेकिन वो कुएं का जो पानी है ना राधा रानी की भक्ति, भैया उसको कौन पी सकते हैं, बोले जिसको पास में रस्सी पात्र, मतलब क्या, बोले जब तक कोई रस्सी की परंपरा से हम नहीं जुड़ेंगे, जिस परंपरा में राधा जी की भक्ति होती है, जब तक तुम उसी परंपरा में नहीं जुड़ोगे फिर राधा जी की भक्ति तुम्हें मिलेगी नहीं। इसलिए रस्सी की परंपरा में हमें आना पड़ेगा। इसलिए एक कोई भक्त था, बड़े सुंदर उन्होंने कृष्ण का पद लिखा, वो पद में लिखा हुआ था, मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग दिया। वो बड़े बड़े भक्तों के पास में गया, लोग तो बड़े बाहवा किए, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के पास में आया, उन्होंने उसका एक लेटर लिख करके भेज दिया, एक श्लोक, देखो ध्यान देकर सुनो उसमें क्या लिखा हुआ, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावन तद अटबी। इसमें लिखा हुआ था, बोले देखो तुम कहते हो ना कृष्ण रंग में रंगे, भैया कृष्ण रंग बड़ी टेढ़ी खीरी है, तभी कृष्ण भक्ति तुम्हें मिलेगा। पहले तीन चीज को अपनाओ, बोले तीन चीज क्या है, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु, जब तक की राधा रानी के चरण की धूल का आश्रय नहीं करोगे। दूसरी चीज क्या, राधा रानी की चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम का आश्रय करो। और तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, जो संत राधा जी की भक्ति रस में डूबा हुआ हो, जिनकी कण कण में राधा जी की भक्ति बैठा हुआ हो, ऐसे संतों का चरण जब तक आश्रय नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये कृष्ण रूपी रस समुद्र में कभी गोता लगा ही नहीं सकते हो। इसलिए हमें ऐसे परंपरा चाहिए जिसमें भगवान की रसमय उपासना हो। निराकार वाले को पूजा करो फिर निराकार मंगा मिलेगा, जो भगवान को निराकार निराकार कह दो फिर रस तुम्हें मिल ही नहीं सकते, तुम खुद ही निराकार उसको बोलने लग गया, उसका कोई आकार नहीं, फिर तुम्हें भक्ति कहाँ से देंगे। इसलिए हमें रस्सी की परंपरा में ही जुड़नी चाहिए। इसलिए भागवत में राधा जी का नाम तो कण कण में, लेकिन हमारे संतों ने दिखाया कहाँ राधा जी का नाम, इसको हम कल सुनेंगे भागवत में कहाँ राधा जी का नाम है। अभी राधा रानी की जन्म की कथा सुनते हैं।
बोले श्री वृषभ महाराज घर में एक बेटा है श्रीधा में, लेकिन इनके घर में कोई बेटी नहीं, इसलिए श्री वृषभ महाराज दुखी है घर में एक बेटी नहीं है। क्योंकि आप देखना घर में जब बेटी आती है ना, दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई है, क्या कहते हैं, लेकिन बेटा हो तो कोई कहता है नारायण आया है, कोई नहीं कहते, लेकिन घर में बेटी आई ना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई। आप देखना बेटी जब दान करते हैं वो लक्ष्मी रूपा मान कर दान करती है, इसलिए कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ दान मानी गई, कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ दान मानी गई। लेकिन दुख का विषय है अगर घर में बेटी आए ना लोग दुखी हो जाते हैं, अगर बेटा आए ना खुशी हो जाते हैं, घर में बेटा आया है नहीं। देखो कितना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते ना, अगर बेटी नहीं होगी ये दुनिया रहेगा, जगत में केवल बेटा ही बेटा हो जाए, बताओ ये दुनिया रहेगा कि नहीं। नाना नानी बेटा बेटी कहाँ से आते, बेटी कहाँ से ना। देखो मैं तो दुनिया घूमता हूँ, बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ, घर में जब शादी हो जाती है, घर में जो बहू आ जाए ना उसको बाद में फिर सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत सारी जगह में देखा हूँ। लास्ट में इतना होता है पिता माता कभी इतने दुखी हो जाते हैं, और लास्ट में मैंने देखा वो बेटी को पास में लास्ट में जाकर सहारा लेता। कभी आप नहीं सुने होंगे बेटी कभी पिता माता को अनादर किया, भले ही बेटी शादियों पर चली जाती है वहीं से खबर लेती है मेरे पिताजी कैसे, मेरे माता जी कैसे, खबर लेती रहती है हर समय। इसलिए भैया बेटा हो नहीं तो बेटी हो, दोनों को बराबर रूप में आदर दो, बेटी ही देखेगी, इसलिए चिंता मत करो। बेटी आए तो घर में कहते हैं लक्ष्मी घर में आई है, इसलिए वृषभ महाराज सोच रहे हैं घर में तो बेटा है लेकिन जरूर एक बेटी भी होनी चाहिए, क्यों, बेटी लक्ष्मी है। अब देखना जिसको घर में जितना बेटी होगी ना उसको घर में लक्ष्मी भी ज्यादा आने लग जाती है, क्योंकि बेटी को लक्ष्मी मानी गई ना। इसलिए देखना कन्या पूजा करते ना, कन्या पूजा करते हैं, इसलिए लड़की को लक्ष्मी मानी गई। इसलिए वृषभ महाराज सोचते घर में एक बेटी होनी चाहिए। एक दिन वृषभ महाराज वो गए थे जमुना में स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, उन्होंने देखा एक सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में एक सुंदरी बालिका किलकार मारते हुए और उसका ज्योति चारी तरफ में उसका ज्योति में उद्भासित हो रहा था। देखा बहते 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 एक सुंदरी किशोरी आ गई और वृषभ महाराज प्रसन्न हो गए और पानी में उतरे और वो लाली को उन्होंने अपना गोद में उठा लिया। बोले श्री राधा रानी की, और उन्होंने अपना पत्नी कृतिका सुंदरी को दिया। बोले देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, घर में ठाकुर एक लाली दिए और उसी कृतिका सुंदरी बड़े प्रेम से श्रद्धा से वो बेटी को पल रही थी। नारद जी ने देखा कृष्ण का जन्म हुए, कृष्ण कभी अकेले नहीं आएंगे, वो तो अपना शक्ति को साथ में आते हैं, जरूर कोई किशोरी जी कहीं जन्म हुई होगी। अभी नारद जी गली गलियों में, ब्रज की गली गलियों में, घर घर में ढूंढ रहे हैं कहाँ राधा रानी, कहाँ ललिता, कहीं विशाखा, कहीं चंपकलता, लेकिन राधा रानी नहीं। जब वो रावल में आए वृषभ महाराज जी को पास में देखा, पूछे भैया आपके घर में कोई संतान भई है, तो उन्होंने श्रीधाम भैया को ला करके दिया। बोले भैया बेटी भाई की नहीं, वो चुप हो गए, क्यों, वो बेटी को तो यमुना से प्राप्त की। बोले हाँ एक बेटी भी भाई। बोले बेटी को लाओ। जब वृषभ महाराज लाए, जब उन्होंने देखा है ना, बोले भैया यही तो राधा रानी, इनको तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो भगवान कृष्ण की रमेश्वरी खेमेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी है, यही तो श्रीमती राधा रानी, यही तो कृष्ण की पूर्ण शक्ति लादिनी शक्ति पराशक्ति भगवान की, इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था। अभी नारद जी राधा रानी को थोड़ा स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन वो तो पिता माता उनको तो बालिका समझ रहे हैं, उनको पता नहीं यही भगवान की पूर्ण शक्ति। नारद जी बहाना बनाए, बोले जाओ थोड़ी सी फूल ले आओ, आपकी लाली को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब वो अंदर में गई ना, इतने में राधा रानी किशोरी हो गई, किशोरी रूप में प्रकट हो गई, ललिता विशाखा सारी सखियां वहां प्रकट हो गई। इतने में ललिता कहती, बोले बाबा क्या देख रहे हो,
राधा जी को जंत स्तुति करो, अभी राधा हरि अंदर ध्यान हो जाएगी। अरे नारद जी एक बड़े सुंदर स्तुति किया है, इसका नाम है राधा कृपा कटाक स्तोत्र। देखो इसमें इतने शक्ति है, अगर राधा कुंड में कोई खड़े होकर के कहते 108 बार उसको स्तुति को पढ़ो, राधा रानी स्वयं प्रकट होकर दर्शन देती है, इतनी उसकी शक्ति है। इसे उसका नाम राधा कृपा कटाक्ष, मतलब राधा जी की जरूर कृपा उसके ऊपर में होगी। आप लोग जरूर ये स्तुति को जरूर पढ़ना, इसका मैं दो श्लोक पढ़ लेता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोल लेना। बोले मुनिन्द्र वृंदवंदिते त्रिलोक शोकहारे सबको हाथ में थोड़ी थोड़ी फूल दे दो। अभी जब श्री राधा रानी फिर अंतर ध्यान हो गई, अभी वृषभानंद महाराज ने ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दिया, घर में लाली वही है सबके सब। हम राधा जी की जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं। बोले ब्रज में दो राजा, एक नंद और एक वृषभानंद महाराज, उन्होंने नंद बाबा को भी नौता दिए। नंद बाबा मैया जसोदा कृष्ण को लेकर के आए। अब राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी, इनकी मन में इच्छा है सबसे पहले कृष्ण को देखूंगी, फिर ये दुनिया को फिर मैं देखूंगी। अभी श्री मैया जसोदा कृष्ण को ला करके कृष्ण को उन्होंने राधा रानी को पास में लेटा दी। रखते ही कृष्ण अपना हाथ को श्री राधा रानी को ऊपर में रखे, रखते ही इतने में राधा रानी प्रसन्न होकर के अपना नेत्र खोल दिया और सामने श्री श्याम सुंदर को दर्शन की। अभी श्री वृषभानंद महाराज प्रसन्न थे, लेकिन पता नहीं लड़की जन्म से ये आंख क्यों बंद करके रखे, उनको पता नहीं चलता। लेकिन आज उनको ले आओ, जो बने उनको लेकर के आ जाओ। अभी जब श्री राधा रानी आंख खोल दी, इतने में श्री वृषभानंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बड़े धूमधाम से श्री राधा रानी के उन्होंने जन्मोत्सव मनाए। बोले श्रीमती राधा रानी श्री वृषभानंद महाराज की, श्री कृतिका सुंदर की जय जय श्री राधा। प्रभु जी राधा रानी की बधाई गाए। देखो राधा रानी ये लक्ष्मी है, इनकी बधाई में जो नाचेगा ना घर में खूब लक्ष्मी आएगी, घर में उनकी खूब पैसा आएगी। इसलिए सबके सब खड़े होकर के राधा रानी का स्वागत करना और सबके सब नाचना। बोलो वर्षा दे जय जय राधा।
रानी को भयो अपना बधाई 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 ऐसे करके नाचते, लेकिन यहाँ स्वयं राधा रानी का जन्म कोई नहीं नाच रहा, खाली कमर हुआ थोड़ा थोड़ा सभी लोग नाचते।